हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है महर्षि तो महर्षि फिल्म का तेलुगु तमिल कन्नड़ा और हिंदी ये चार वर्जन आए हुए तो ये सभी वर्जन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलने वाले है उसके ऊपर मैं एक जानकारी देने वाला हूँ साथ ही में फिल्म के सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस election और फिल्मिंग के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ इसके अलावा स्टोरी का एक एक्सप्लेनेशन होने वाला है फिल्म का एक डीप रिव्यू होगा जहाँ पे स्टोरी की एनालिसिस की जाएगी इसी के साथ फिल्म के स्क्रीन प्ले के ऊपर भी बातचीत करेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट और परफॉर्मेंसिस के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है उसके ऊपर भी डीप में रिव्यू होने वाला है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते है महर्षि जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है क्रे एट सेज मर्सी 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन किया हुआ है वामसी पेडी पेली ने वामसी पेडी पेली का ही स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर हरि और एहसिर सोलोमन ने स्क्रिप्टिंग में मदद की हुई थी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों वामसी ने ही लिखे हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रसाद वी पोटलेरी परम वी पोटलोरी और कविन अन्य इन तीन प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन व्याजंती मूवीज और पीवीपी पी सिनेमा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है ग्रेट इंडिया फिल्म्स के द्वारा जिसको यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु वर्जन में श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो दिल राजू का प्रोडक्शन है इसके अलावा इस फिल्म को करीबन 100 से 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे अट्ठावन मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसी के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यानी कि तेरह साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क यानी कि सिनेमाटोग्राफी की, की हुई है के यू मोहनन ने एडिटिंग की हुई प्रवीण केएल ने म्यूजिक दिया हुआ है देवी श्री प्रसाद ने जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल आपको आठ सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसको तेलुगू और तमिल दोनों वर्जन में रिक्रिएट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के जो लीड कास्ट है उसमें आपको महेश बाबू पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश देखने को मिलने वाले साथ ही में जगपति बाबू कोटा श्रीनिवास राव प्रकाश राज जया सुधा मीनाक्षी दीक्षित अनन्या नजर साई कुमार राव रमेश मुकेश ऋषि तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली श्रीनिवास रेड्डी वेनेला किशोर कमल कामराजू ब्रह्मा जी राजीव कनकल आपको बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट में

गेटअप गेटअप्रीनू और महेश अचंटा तो ये कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट है अदर सपोर्टिंग कास्ट है तो इस फिल्म की कास्ट काफी बड़ी है लंबी कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है और उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा था जिन्होंने स्टोरी में एक अच्छी खासी हेल्प की हुई है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो महर्षि फिल्म की कहानी शुरू होती है ऋषि से ऋषि का किरदार प्ले कर रहे हैं स बाबू वो यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है रेप्यूटेड सीईओ है और उनको दुनिया में सबसे बेबड़ा बेस्ट बनना है उसकी जल्दबाजी में वो काफ़ी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते खास करके उन्होंने अपने पास्ट में काफ़ी सारी चीजों को भुला दिया है कुछ रिलेशनशिप थे उनके उनको वो पूरी तरह से भूल चुके इस जल्दबाजी में इस हड़बड़ाहट में दुनिया में पहले नंबर पे बेस्ट रहने के लिए ये सभी चीज़ों को उन्होंने भुला दिया है किसी एक दिन उनको पता चलता है कि उनका एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे जिसका नाम था रवि कुमार जो नरेश वो रोल प्ले कर रहे हैं उनका वो काफी क्लोज फ्रेंड था वो और उसकी ये सक्सेस है उसके पीछे एक्चुअल हाथ उसका ही है तो अब अभी फिलहाल में उनको ऐसा पता चला है कि ऋषि रवि काफी बड़ी मुसीबत में और उसके गांव यानि कि रामपुरम में काफी ज्यादा मुसीबतों का वो सामना कर रहा है काफी बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है तो अब ऋषि ये सभी चीजें जानने के बाद अपनी इस लाइफ को छोड़ के उनके पास जाता है उसके प्रॉब्लम को देखता है उसके किस तरह से वो सफर कर रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो इसे सॉल्व कर पाता है या नहीं ऋषि क्या बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसके अलावा उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, पूजा हेगड़े का इस फिल्म में क्या किरदार है वो स्टोरी में किस तरह से हेल्प करती है वही सब चीजें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है नो no डाउटली इस फिल्म में महेश बाबू ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है उनको आप उनके आपको टोटल तीन डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं जिसमें वो काफी छाए हुए थे कॉलेज लुक सी वो अवतार उसके बाद में जिस तरह से वो मसीहा वाला किरदार प्ले करते सभी रोल में उन्होंने बखूबी काम किया हुआ है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगा उनके से जो ड्रेसिंग सेंस था वो भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था डिजाइनर ने अच्छी तरह से उनके कपड़ों को डिजाइन किया हुआ था इसके अलावा पूजा हेगड़े लारी अपने सपोर्टिंग रोल में काफी बेहतरीन थे, जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का ये किरदार प्ले किया हुआ है वो बढ़िया था लारी नरेश ने अपने करियर में जिस तरह से सपोर्टिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ था उनकी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है वो सभी टाइप के रोल प्ले कर सकते हैं कॉमेडी सीरियस अलग अलग इमोशनल डिपार्टमेंट वाले सभी रोल में वो अपना बेस्ट डिलीवर दे सकते हैं उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफी बढ़िया नज़र आ रही थी वो फिल्म का मेजर एसेट पॉइंट थे पूजा हेगड़े अपने ग्लैमरस अवतार में परफेक्ट नजर आ रही थी वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठ रही थी इसके अलावा उनका महेश बाबू के साथ जितने भी सीन क्रिएट हुए वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे फिल्म का पहला आप काफ़ी एंटरटेनिंग है जहाँ पे कॉमेडी डोज देखने को मिलता है सेंसिपल कॉलेज सीन्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा वेनेला किशोर आपको काफी बढ़िया तरीके से अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करने में कामयाब रहे थे फिल्म का सब्जेक्ट में जो इमोशनल अवतार है जो इमोशनल वो काफ़ी है जिसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है सेकंड हाफ में सभी चीज़ें देखने को मिलती है सेकंड हाफ में फिल्म काफी सीरियस हो जाती है सेकंड हाफ में काफी सारे सीन्स है जो महेश बाबू ने बढ़िया तरीके से डिलीवर किए उनके साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जैसे कि राजीव कनकाला जय सुधारा रमेश सभी अपने रोल में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में जो रिलेशनशिप शो करके दिखाई हुए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कमल कामराजू ने एक अच्छा किरदार प्ले किया हुआ है इस फिल्म को अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी स्लो और बड़ी है अगर वो आपको खलता नहीं है तो फिल्म अच्छी है इसके अलावा फिल्म में इमोशनल सीन और प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कहानी आप आसानी से प्रिडिक्ट कर लोगे खास करके सेकंड हाफ में इस फिल्म में आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी कुछ दिखाया हुआ है उसको काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अल्ला नरेश को सेकंड हाफ में थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया जाता है उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे लव स्टोरी फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं दिखाई गई जगपा बाबू को उतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश नहीं किया हुआ है उनका महेश बाबू के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको उतनी अच्छी तरह से स्टेबलिश नहीं किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था लेकिन सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया है फिल्म के विजुअल्स वो बेहतरीन है बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था इसके अलावा वो सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था सॉन्ग्स में जो विजुअल्स आपको सुन देखने को मिलते हैं उसको कैमरा मैन ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है फिल्म के टोन को अच्छी तरह से कैमरा मैन ने पकड़ा हुआ था सिनेमेटोग्राफी सुम फ्रेमली वेल थी कॉलेज बैकड्रॉप यू एस सेटअप विलेज का एटमोस्ट फेयर आपको जरूर फिल होगा उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इस फिल्म की एडिटिंग काफी इंप्रेसिव नजर आएगी हालांकि फिल्म काफी बड़ी थी उसको आसानी से पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था जहां पे महेश बाबू के कुछ स्टाइलिश सीन थे इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने सुपर मेनर में शूट करके हमारे सामने एडिट करके दिखाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन काफी हाई नजर आ रही थी और मेकर्स ने उसका भरपूर तरीके से यूज करके अच्छी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई है फिल्म की प्रोडक्शन वाली जिस तरह तरह से से हाई थी, उसी तरह से फिल्म के हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था लोकेशन अच्छी अच्छी यूज की हुई थी जो फिल्म को और भी बेहतरीन और कलरफुल बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेड़ी पेली ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म के से थ्रू जिस तरह से एक इमोशनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है उसमें फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी कॉलेज सभी चीज़ों का एक मिश्रण किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वो ऋषि का किरदार स्टेब्लिश करते सेकंड हाफ में जिस तरह से वो सभी चीज़ों को हमारे सामने इमोशनल मैनर में दिखाते वो बढ़िया था वो सभी चीज़ें इंप्रेसिव नजर आएगी ओवरऑल मरसी फिल्म एक ऋषि के किरदार के ऊपर बेस्ट है जहाँ पे उस किरदार के साथ महेश बाबू ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो अकेले ही पूरी फिल्म को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं

पल्लवी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने चंद्रशेखर का रोल प्ले किया हुआ है तो सभी एक्टर्स ने ये अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया हुआ है और सभी का काम बखूबी निखर के आया हुआ है तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मुन्ना 2007 में एक फिल्म आई थी वृंदावनम 2010 में आई थी येडू 2014 में तो दिलराजू ने ये तीन फिल्में वामसी पेडी पेली के साथ इससे पहले की हुई थी और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया वाम से पेड़ी पेली के साथ 2018 हज़ार की अर्ली में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन के नीचे वो महेश बाबू की 25वीं फिल्म प्रोड्यूस करने वाले जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया था हेस्टेक एस एस एम बी ट्वेंटी फाइव और महर्षि फिल्म का जो टाइटल है वो नौ अगस्त दो हज़ार अट्ठारह को कन्फर्म किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग राइटिंग के ऊपर वामसी ने फर्स्ट पोस्ट वालों को इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि फिल्म में काफ़ी मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे प्रोटोग की जो जर्नी है वो पूरी तरह से इस फिल्म के फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ के एंड तक आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे वो किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम दिखाने वाले इस फिल्म की बायोपिक आपको शायद थोड़ी सेमी बायोपिक टाइप की लग सकती है तो ये सभी चीज़ें उन्होंने लीड कैरेक्टर के थ्रू दिखाई हुई थी वो बस सभी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में कही हुई थी अब फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो स्क्रिप्टिंग का काम करने के बाद फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी काफी लंबे समय के बाद जून 2018 में स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का एक पहला शेड्यूल था वो काफी लंबा रखा गया था जिसको हैदराबाद गोवा और देहरादून में शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म का एक शेड्यूल दो महीने का लंबा रखा गया था जिसको यूएस में रखा गया था और यूएस में काफी पोर्शन फिल्म के शूट किए गए थे इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो न्यूयॉर्क में सेट किया गया था और बाद में फिल्म का जो यूएस वाला शेड्यूल है वो डिले होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में नवंबर 2018 आ गया था उसके बाद में फिल्म के बाकी के पोर्शन को हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था जहां पे एक फिक्सनल विलेज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था उस सेट को क्रिएट करने में करीबन आठ करोड़ का खर्चा आया हुआ था दिसंबर दो में फिल्म के थर्ड वीक में सॉरी दिसंबर दो थार के थर्ड वीक में एक नया शेड्यूल था लास्ट शेड्यूल था उसको स्टार्ट किया गया था उसके बाद में कुछ एक्शन सिक्वेंस से कुछ फैमिली सिक्वेंस से जिसको बाद में शूट किया गया था उसके बाद में दुबई का एक ट्रिप लिया था महेश बाबू ने एक शॉर्ट हॉलीडे लिया था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जनवरी 2019 में जहाँ पे सेकंड वीक में शेड्यूल को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे पोलाची तमिलनाडु में कुछ सीन्स को शूट किया गया था वहाँ पर करीबन काफ़ी लंबा शेड्यूल चला था उसके बाद सेम महीने में फ़िल्म का नेक्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फरवरी दो में वो शेड्यूल कम्प्लीट किया गया था पंद्रह मार्च दो तक पूरी तरह से फिल्म पेज वर्क को जो सॉन्ग्स थे उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाए गए थे एक्शन सीक्वेंस क्लाइमेक्स सभी चीज़ों को तभी शूट कर लिया गया था लेकिन दो सॉन्ग्स बाकी थे जिसको 18 अप्रैल 2019 तक कंप्लीट करके रेपअप किया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर बात करें तो माहूल महर्षि फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफी बड़ा है जहाँ पे 31 मिनट 38 सेकंड का साउंड ट्रेक है जहाँ पे इसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों देवीश्री प्रसाद ने ही क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे का है सॉन्ग डिसेंट है कुछ अच्छे कुछ ठीक ठाक है और इस साउंड ट्रैक को आदित्य म्यूजिक ने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में पंद्रह मई दो से अवेलेबल किया हुआ है तो फिलहाल में भी आपको महारि फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन के गाने वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बात करें तो तेलुगु वर्जन के सभी लिरिस, लिरिसिस्ट और राइटिंग का काम किया हुआ है श्री मनी ने मर्जी फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना है पदरा पदरा जिसके सिंगर थे शंकर महादेवन दूसरा गाना है छोटी छोटी बातें जहाँ पे बेकिंग वोकल से वो रानीना रेड्डी सुरमुखी श्रमन अनिता और रोशनी ने गाया हुआ है वहीं पे जो मेन सिंगर है वो देवश्री प्रसाद है तीसरा गाना समथम जिसके बेकिंग वोकल्स रनिना रेड्डी और सुरमुखी रमन ने गाया हुआ है वहीं पे सिंगर थे याजिन निजार इसके अलावा चौथा गाना एवरेस्ट अंशुना जिसके सिंगर है वेडला हेमा और विष्णु प्रिया रवि पांचवा गाना फिर शुरू जिसके सिंगर है बेनी दयाल छठा गाना है पाला पिट्टा जिसके सिंगर है राहुल सिपलीगुंज और एम ए मानसी सातवा गाना है इदे कदा नी कदा द सोल ऑफ ऋषि इसको गाया हुआ है विजय प्रकाश ने आठवा गाना है नूव यदि निदानी जिसको गाया हुआ है कार्तिक ने तो ये सीएम राउंड ट्रेक को तमिल वर्जन में भी रिक्रिएट किया गया था और इस फिल्म के म्यूजिक को यानी कि बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स को डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को कुछ अवार्ड्स के लिए भी सम्मानित किया गया था जहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड मिला हुआ था जिस तरह से मैंने कहा कि इन गानों को फिल्म पूरी फिल्म को जिस तरह से शोकेस करके कैमरा मैन ने दिखाया हो तो वो काफी शानदार था और उस वजह से इस फिल्म को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो ये तो हुई साउंड्रेक के ऊपर बात अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म की रिलीज काफी बार चेंज हुई है फिल्म को ओरिजिनली पच्चीस अप्रैल दो को रिलीज करने वाले थे लेकिन 6 मार्च 2019 हजार उन्नीस को दिल राजू इसम के प्रोड्यूसर उन्होंने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन की डिले की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है फिल्म का काम समय के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वजह से हम थिएट्रिकली रिलीज 9 मई 2019 को करेंगे और बाद में महर्षि फिल्म को रिलीज करना जो 9 मई 2019 को रिलीज किया गया था उसके करीबन एक दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू के घर पे रेड कर, कर हुई थी उनके ऑफिस और उनके घर घर के ऊपर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से एक रेड आई हुई थी और उनके ये हैदराबादी के हाउसेस में ये रेड हुई थी 8 मई 2019 को अब हम बात करें इस फिल्म के जो स्क्रीन से उसके ऊपर तो फिल्म को पच्चीस सौ मिले थे जहाँ पे यूएसए में बेंगलुरु में करीबन चार सौ थे तो तेलुगू में ये पहली फिल्म थी जो कर बेंगलोर में इतने हाईएस स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी तो टोटल 2500 स्क्रीन्स स्क्रीन के ऊपर फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था तो 9 मई 2019 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था जहां पे फिल्म को आई पे सात पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन साढ़े आठ हज़ार वोट किए गए थे तो इतने वोटों में डिसेंट रेटिंग थी जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था फिल्म को महेश बाबू के फैंस ने काफ़ी सराहाया था न्यूट्रल ऑडियंस थे उसको भी ये फिल्म पसंद आ रही थी क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म के लेंथ और रन टाइम के अलावा बाकी चीज़ों को पसंद किया जा रहा था महेश बाबू के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काफ़ी तारीफ़ की गई थी इसके अलावा फिल्म का ओवरऑल जो काम किया गया था उसकी थी थी लोगों को वो पसंद आई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब रही थी जहां पे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब उससे पहले जो राइट्स होते जैसे कि ओवरसीज थिएट्रिकली राइट्स होते इसके अलावा सेटेलाइट राइट्स होते हैं साथ ही में डिजिटल म्यूजिक डबिंग राइट्स वो सभी चीज़ों को बेचते बेचते प्री रिलीज बिजनेस ही डेढ़ सौ करोड़ का हो चुका था फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो थिएटिकली राइट्स वो बेचे गए थे वो तो सौ करोड़ में सभी वर्जन के मिला के जहाँ पे ब्रेकडाउन करे तो रीजन वाइज निज़ा में चौबीस करोड़ में बेचे गए थे सी डेड में साढ़े बारह करोड़ बारह करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे उत्तराध्रा में नौ करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे सात करोड़ सत्तर लाख में गुंटूर में बेचे गए थे ईस्ट गोदावरी में सात करोड़ बीस लाख में बेचे गए थे छः करोड़ में वेस्ट गोदावरी वे में वे बेचे गए थे छः करोड़ में कृष्णा में भी बेचे गए थे नौ दो करोड़ नब्बे लाख में नेल्लोर में बेचे गए थे आठ करोड़ तीस लाख में कर्नाटक में राइट्स बेचे गए थे एक करोड़ सत्तर लाख में रेस्ट ऑफ इंडिया में राइट्स बेचे गए थे और में चौदह करोड़ के राइट्स बेचे गए थे हिंदी डबिंग के राइट्स के ऊपर बात करें तो वो 20 करोड़ में बेचे गए थे गोल्ड माइंस को इसके अलावा दूसरे एरिया दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स और जैसे कि ग्रेट इंडिया यूएस वालों ने इस फिल्म को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस फिल्म को साउथ रन स्टार इंटरनेशनल वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ग्रेट इंडिया फिल्म ने यूएस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था विंटेज क्रिएशन ने ईस्ट गोदावरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था आदित्य फिल्म ने वेस्ट गोदावरी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था फाल्स फिल्म ने इस फिल्म को यू में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने निज़ाम और उत्तराधरा में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था वी मूवीज़ ने कुछ

बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी लंबी चली थी और इस फिल्म में करीबन 50 दिनों का थिएट्रिकली रन लिया हुआ था इंडिया में जहाँ पे फिल्म ने हर एक आ, लोकेशन के ऊपर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था फिल्म के रिलीज़ वक्त ही फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से महेश बाबू के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग ग्रोसर फिल्म साबित हो गई थी ये फिल्म जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी तो 100 130 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 200 करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन कर दिया जहाँ पे शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई था जिसकी बदौलत यह फिल्म हिट हो गई उसके बाद में थिएट्रिकली राइट्स के अलावा ओ म्यूजिक राइट्स डबिंग राइट्स को बेच के फिल्म ने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया हुआ था अब हम बात करें होम मीडिया के ऊपर तो इस फिल्म के राइट्स वालों ने 25 करोड़ में खरीदे हुए थे इसके अलावा तेलुगु वर्जन के, के टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो वो 6 अक्टूबर 2019 को दशहरे के मौके पर पहली बार जेमिनी टीवी पे किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की टीआरपी हाईएस्ट हासिल हुई थी तब नौ की इस फिल्म को पांचवी बार जब चैनल पर प्रीमियर करवाया गया तब भी टीआरपी आर दस पॉइंट अट्ठाईस की आई हुई थी पहली बार से भी ज़्यादा ऑन एवरेज फिल्म की टीआरपी करीबन दूसरे प्रीमियर्स के मुकाबले चार गनी ज़्यादा थी इसके अलावा फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे हुए अमेजोन प्राइम मीडियो ने 11 करोड़ में जहां पे उन्होंने इस फिल्म को पहली बार 3 जुलाई 2019 में तेलुगु वर्जन में प्रीमियर करवाया हुआ था जो थिएट्रिकली रिलीज है चौवन दिनों के बाद फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था इसके अलावा डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स तमिल कनाडा डब्ड वर्जन के लिए खरीदे हुए थे स्टार इंडिया और होटस्टार वालों ने वहीं पे तमिल और कनाड़ा वर्जन का जो टे टाइटल है वो है उंग कला और वन तमिल वर्जन के लिए वीरा महर्षि कनाडा वर्जन के लिए जिसको स्टार विजय और स्टार सुरवाना के ऊपर अट्ठारह अक्टूबर दो को प्रीमियर करवाया गया था इसके हिंदी वर्जन के राइट, राइट है फिल्म की डबिंग कम्पलीटेड है सेंसर भी है बस अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इस फिल्म को प्रीमियर करवाता है तो एक बार फिर से मैं अब आप आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि कौन सी फिल्म कहाँ पे कितने कौन से वर्जन में देखने को मिलेगी तो महर्षि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे जेमिनी टीवी के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके सेटेलाइट राइट्स से है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए हैं जहां पे तमिल और कन्नड़ा दोनों वर्जन के राइट स्टार नेटवर्क के पास है स्टार विजय के ऊपर उंगल उंगा और नाम के साथ ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा स्टार सुरवाना के ऊपर बिल्कुल फ्री में कन्नाडा वर्जन वीर महर्षि आपको देखने को मिलेगा तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ राइट्स की तो अमेजोन प्राइम विडियो ने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए हैं तो महर्षि फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं फिर फिल्म का जो तमिल और कन्नडा वर्जन है यानी कि उंगल कुंगा कुरुवन और वीरा महर्षि वो आपको होस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है महर्षि का वो आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा कन्नडा और तमिल वर्जन आपको स्टार सुरवाना और स्टार विजय के ऊपर तोड़ियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन सॉरी विध इंग्लिश सब डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ वीरा महसि और उंगलुंग उर्वन के नाम के साथ तमिल और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी अब हम बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स है गोलमाइंस टेलीफिल्म के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट करवा दी है सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है फिल्म का सेम नाम रखा गया है फिल्म के गाने डब नहीं किए गए इस फिल्म के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स भी उनके ही पास है तो ये फिल्म जब कभी भी टेलीविज़न पर आपको देखने को मिलेगी तो गोलमांस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन में महर्षि के नाम से जहाँ पे वॉइस ओवर महेश बाबू का किया हुआ है संकेत महात्रे ने वहीं पे फिल्म को यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा

जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किया हुआ पेडीपेली ने पेडी पेडीपेली का ही स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर हरी और एहसिर सोलोमोन ने स्क्रिप्टिंग में मदद की हुई थी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों वामसी ने ही लिखे हुए है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रसाद वी पोटलेरी, परम वी पोटलोरी और कविन अन्य इन तीन प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन व्याजंती मूवीज और पीवीपी सिनेमा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है ग्रेट इंडिया फिल्म्स के द्वारा जिसको यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु वर्जन में श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो दिल राजू का प्रोडक्शन है इसके अलावा इस फिल्म को करीबन 100 से 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे अट्ठावन मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसी के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यानी कि तेरह साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क यानी कि सिनेमाटोग्राफी किए हुई है के यू मोहनन ने एडिटिंग किए हुए प्रवीण केल ने म्यूजिक दिया हुआ है देवी श्री प्रसाद ने जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही क्रिएट किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसको तेलुगू और तमिल दोनों वर्जन में रिक्रिएट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के जो लीड कास्ट है उसमें आपको महेश बाबू पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश देखने को मिलने वाले साथ ही में जगपति बाबू कईकला नारायणा कोटा श्रीनिवास राव प्रकाश राज सुधा मीनाक्षी दीक्षित अनन्या नजर साई कुमार राव रमेश मुकेश ऋषि तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली श्रीनिवास रेड्डी वेनेला किशोर कमल काम राजू ब्रह्मा जी राजीव कनकल आपको बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट में देखने को मिलेंगे इसके अलावा रवि प्रकाश विद्युलेखा रमन मीनाक्षी दीक्षित झांसी अन्नपूर्णा समीर रणधीर गट्टाला आनंद सनूर साना शिव नारायणा दिवी व्या श्रवाणा ईशिका वर्मा पेट्रिका पिंटो नितोस पिंटो आश्रिता वेमुगंती और तो ये कुछ है, देखने को मिलेंगे और ये सभी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है और उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा था जिन्होंने स्टोरी में एक अच्छी खासी हेल्प की हुई है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो महर्षि फिल्म की कहानी शुरू होती है ऋषि से का केदार प्ले कर रहे महेश बाबू वो यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है रेप्यूटेड सीईओ है और उनको दुनिया में सबसे बेबड़ा बेस्ट बनना है उसकी जल्दबाजी में वो काफी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करते खास करके उन्होंने अपने पास्ट में काफी सारी चीजों को भुला दिया है कुछ रिलेशनशिप से उनके उनको वो पूरी तरह से भूल चुके है इस जल्दबाजी में इस हड़बड़ाहट में दुनिया में पहले नंबर पे बेस्ट रहने के लिए ये सभी चीजों को उन्होंने भुला दिया है किसी एक दिन उनको पता चलता है कि उनका एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे जिसका नाम था रवि कुमार जो अल्हारी नरेश वो रोल प्ले कर रहे हैं उनका वो काफी क्लोज फ्रेंड था वो और उसकी ये सक्सेस है उसके पीछे एक्चुअल हाथ उसका ही है तो अब अभी फिलहाल में उनको ऐसा पता चला है कि ऋषि काफी बड़ी सॉरी रवि काफी बड़ी मुसीबत में और उसके गांव यानी कि रामपुरम में काफी ज्यादा मुसीबतों का वो सामना कर रहा है काफी बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है तो अब ऋषि ये सभी चीजें जानने के बाद अपनी इस लाइफ को छोड़ के उनके पास जाता है उसकी प्रॉब्लम को देखता है उसके किस तरह से वो सफ़र कर रहा है उसको सोल्व करने की कोशिश करता है तो वो इसे सोल्व कर पाता है या नहीं ऋषि क्या बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसके अलावा उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं पूजा हेगड़े का इस फिल्म में क्या किरदार है वो स्टोरी में किस तरह से हेल्प करती है वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है नो no डाउटली इस फिल्म में महेश बाबू ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है उनको आपको उनके आपको टोटल तीन डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं जिसमें वो काफ़ी छाए हुए थे कॉलेज लुक सी वो अवतार उसके बाद में जिस तरह से वो मसीहा वाला किरदार प्ले करते सभी रोल में उन्होंने बखूबी काम किया हुआ है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगा उनके से जो ड्रेसिंग डे, डे, सेंस था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था डिज़ाइनर ने अच्छी तरह से उनके कपड़ों को डिज़ाइन किया हुआ था इसके अलावा पूजा हेगड़े अल्लाहारी नरेश अपने सपोर्टिंग रोल में काफ़ी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का ये किरदार प्ले किया हुआ है वो बढ़िया था अल्लाहारी नरेश ने अपने करियर में जिस तरह से सपोर्टिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ था उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है वो सभी टाइप के रोल प्ले कर सकते हैं कॉमेडी सीरियस अलग अलग इमोशनल डिपार्टमेंट वाले सभी रोल में वो अपना बेस्ट डिलीवर दे सकते हैं उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफी बढ़िया नज़र आ रही थी वो फिल्म का मेजर एसेट पॉइंट थे पूजा हेगड़े अपने ग्लैमरस अवतार में परफेक्ट नजर आ रही थी वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठ रही थी इसके अलावा उनका महेश बाबू के साथ जितने भी सीन क्रिएट हुए वो आपको जरूर पसंद आएंगे फिल्म का पहला आप काफी एंटरटेनिंग है जहाँ पे कॉमेडी डोज देखने को मिलता है कॉलेज सीन्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा वेनेला किशोर आपको काफी बढ़िया तरीके से अपने छोटे से रोल में इम्प्रेस करने में कामयाब रहते थे फिल्म का सब्जेक्ट में जो इमोशनल है जो इमोशनल चीज है वो काफी हैवी है जिसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से यह डिलीवर किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में ये सभी चीजें देखने को मिलती है सेकंड हाफ में फिल्म काफी सीरियस हो जाती है सेकंड हाफ में काफी सारे सीस है जो महेश बाबू ने बढ़िया तरीके से डिलीवर किए उनके साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जैसे कि राजीव कनकला जय सुधारा और रमेश सभी अपने रोल में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में जो रिलेशनशिप शोकेस करके दिखाई हुए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कमल कामराज ने एक अच्छा किरदार प्ले किया हुआ है इस फिल्म को अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी स्लो और बड़ी है अगर वो आपको खलता नहीं है तो फिल्म अच्छी है इसके अलावा फिल्म में इमोशनल सीन और प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कहानी आप आसानी से प्रिडिक्ट कर लोगे खास करके सेकंड हाफ में इस फिल्म में आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी कुछ दिखाया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अल्ला नरेश को सेकंड हाफ में थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया जाता है उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे लव स्टोरी फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं दिखाई गई है जगपा जगे बाबू को उतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश नहीं किया हुआ है उनका महेश बाबू के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको उतनी अच्छी तरह से स्टेबलिश नहीं किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था लेकिन सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया है फिल्म के विजुअल्स वो बेहतरीन है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था इसके अलावा वो सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था सॉन्ग्स में जो विजुअल्स आपको सुनने देखने को मिलते हो उसको कैमरा मैन ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है फिल्म के टोन को अच्छी तरह से कैमरा मैन ने पकड़ा हुआ था तरीके से सभी पे दिखाया हुआ है। इस फिल्म एडिटिंग काफी इंप्रेसिव नजर आएगी हालांकि फिल्म काफी बड़ी थी उसको आसानी से पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था जहाँ पे महेश बाबू के कुछ स्टाइलिश सीन थे इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने सुपर मैनर में शूट करके हमारे सामने एडिट करके खाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन काफी हाई नजर आ रही थी और मेकर्स ने उसका भरपूर तरीके से यूज करके अच्छी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू जिस तरह से हाई थी उसी तरह से फिल्म के हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था लोकेशन अच्छी अच्छी यूज की हुई थी जो फिल्म को और भी बेहतरीन और कलरफुल बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेड़ी पेली ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म के थ्रू जिस तरह से एक इमोशनल सब्जेक्ट चूज किया

फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी कॉलेज सभी चीज़ों का एक मिश्रण किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वो ऋषि का किरदार स्टेब्लिश करते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से वो सभी चीज़ों को हमारे सामने इमोशनल मैनर में दिखाते हैं वो बढ़िया था वो सभी चीज़ें इंप्रेसिव नजर आएगी ओवरऑल मरसी फिल्म एक ऋषि के किरदार के ऊपर बेस्ट है जहाँ पे उस किरदार के साथ महेश बाबू ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो अकेले ही पूरी फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं उनको बेहतरीन वे में अल्लाह रे सपोर्ट करते हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका रोल छोटा है तो इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ये फिल्म देखने फिल्म देखने लायक है जिस वजह से इसे मिस नहीं करना चाहिए महेश बाबू के करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म है, ने इस फिल्म है कुमार का रोल प्ले किया पूजा हेगड़े ने पूजा का रोल प्ले किया है जो ऋषि का लव इंटरेस्ट है और गेमिंग कंपनी में काम कर रही है अल्लाह ने अल्लाह रि नरस आपको रविशंकर के रोल में दिखाई देंगे जो ऋषि के बेस्ट फ्रेंड है जगपति बाबू ने विवेक मित्तल का रोल प्ले किया हुआ है जो मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है इसके अलावा काल सत्यनारायण ने पूजा पे के पेटर्नल ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया है कोटा श्रीनावास राव ने पूजा के मेटर्नल ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया है प्रकाश राज आपको के सत्यनारायण यानी की ऋषि के फादर के रोल में दिखाई देंगे जया जयासुधा ने ऋषि के माँ का रोल प्ले किया हुआ मीनाक्षी दीक्षित ने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है अनन्या ने पल्लवी रवि के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया है नजर ने सिप केप मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है सां धीना ने साई कुमार ने पल्लवी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने चंद्रशेखर का रोल प्ले किया हुआ है तो सभी एक्टर्स ने ये अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया हुआ है और सभी का कामबाखू भी निखर के आया हुआ है तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मुन्ना 2007 में एक फिल्म आई थी वृंदावनम 2010 में आई थी येडू 2014 में तो दिलराजू ने ये तीन फिल्में वामसी पेडी पेली के साथ इससे पहले की हुई थी और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया वाम से पेड़ी पेली के साथ 2018 की अर्ली में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन के नीचे वो महेश बाबू की पच्चीसवीं फिल्म प्रोड्यूस करने वाले जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया था हेसटेक और मर्सी फिल्म का जो टाइटल है वो 9 अगस्त 2018 को कंफर्म किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग राइटिंग के ऊपर वामसी ने फर्स्ट पोस्ट वालों को इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि फिल्म में काफ़ी मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे प्रोटोग की जो जर्नी है वो पूरी तरह से इस फिल्म के, के फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ के एंड तक आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे वो किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम दिखाने वाले इस फिल्म की बायोपिक आपको शायद थोड़ी सेमी बायोपिक टाइप की लग सकती है तो ये सभी चीज़ें उन्होंने लीड कैरेक्टर के थ्रू दिखाई हुई थी वो बस सभी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में कही हुई थी अब फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो स्क्रिप्टिंग का काम करने के बाद फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी काफी लंबे समय के बाद जून 2018 में स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का एक पहला शेड्यूल था वो काफ़ी लंबा रखा गया था जिसको हैदराबाद गोवा और देहरादून में शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म का एक शेड्यूल दो महीने का लंबा रखा गया था जिसको यूएस में रखा गया था और यूएस में काफी पोर्शन फिल्म के शूट किए गए थे इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो न्यूयॉर्क में सेट किया गया था और बाद में फिल्म का जो यूएस वाला शेड्यूल है वो डिले होने की वजह से फिल्म के शूटिंग को कंप्लीट करने में नवंबर 2018 आ गया था उसके बाद में फिल्म के बाकी के पोर्शन को हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था जहाँ पे एक फिक्सनल विलेज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था उस सेट को क्रिएट करने में करीबन आठ करोड़ का खर्चा आया हुआ था दिसंबर दो में फिल्म के थर्ड वीक में सॉरी दिसंबर दो के थर्ड वीक में एक नया शेड्यूल था लास्ट शेड्यूल था उसको स्टार्ट किया गया था उसके बाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस से कुछ फैमिली सीक्वेंस है जिसको बाद में शूट किया गया था उसके बाद में दुबई का एक ट्रिप लिया था महेश बाबू ने एक शॉर्ट हॉलीडे लिया था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जनवरी 2019 में जहाँ पे सेकंड वीक में शेड्यूल को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे पोलाची तमिलनाडु में कुछ सीन्स को शूट किया गया था वहाँ पे करीबन काफ़ी लंबा शेड्यूल चला था उसके बाद सेम महीने में फ़िल्म का नेक्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फरवरी दो में वो शेड्यूल कम्प्लीट किया गया था पंद्रह मार्च 2019 तक पूरी तरह से फिल्म के पेचवर्क को जो सॉन्ग्स थे उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाए गए थे एक्शन सीक्वेंस क्लाइमेक्स सभी चीज़ों को तभी शूट कर लिया गया था लेकिन दो सॉन्ग्स बाकी थे जिसको 18 अप्रैल 2019 तक कंप्लीट करके रेप अप किया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर बात करें तो महर्षि फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफी बड़ा है जहाँ पे 31 मिनट 38 सेकंड का साउंड रेक है जहाँ पे इसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों देवीश्री प्रसाद ने ही क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे का है सॉन्ग डिसेंट है कुछ अच्छे कुछ ठीक ठाक है और इस साउंड ट्रैक को आदित्य म्यूजिक ने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में पंद्रह मई दो से अवेलेबल किया हुआ है तो फिलहाल में भी आपको हमारे फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन के गाने वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बात करें तो तेलुगु वर्जन के सभी लिरिक्स लिरिसिस्ट और राइटिंग का काम किया हुआ है श्री मनी ने मर्जी फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना है पदरा पदरा जिसके सिंगर थे शंकर महादेवन दूसरा गाना है छोटी छोटी बातें जहाँ पे बेकिंग वोकल्स है वो रानीना रेड्डी सुरमुखी श्रमन अनिता और रोशनी ने गाया हुआ है वहीं पे जो मेन सिंगर है वो देवीश्री प्रसाद है तीसरा गाना नोवे समथम जिसके बेकिंग रनिना रेड्डी और सुरमुखी रमन ने गाया हुआ है वहीं पे सिंगर थे याजिन निजार इसके अलावा चौथा गाना एवरेस्ट अंशुना जिसके सिंगर है वेडला हेमा चंद्र और विष्णु प्रिया रवि पांचवा गाना फिर शुरू जिसके सिंगर है बेनी दयाल छठा गाना है पाला पिट्टा जिसके सिंगर है राहुल सिपलीगुंज और एम ए मानसी सातवा गाना है इदे कदा नी कदा द सोल ऑफ ऋषि इसको गाया हुआ है विजय प्रकाश ने आठवा गाना है नुआनी यदि निदानी निधानी जिसको गाया हुआ है कार्तिक ने तो ये सीएम राउंड ट्रेक को तमिल वर्जन में भी रिक्रिएट किया गया था

तो इस फिल्म की रिलीज काफी बार चेंज हुई है फिल्म को ओरिजिनली 25 अप्रैल 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन 6 मार्च 2019 को दिलराजू जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन की डिले की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है फिल्म का काम समय के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वजह से हम थिएट्रिकली रिलीज 9 मई 2019 को करेंगे और बाद में मर्सी फिल्म को रिलीज करना जो 9 मई 2019 को रिलीज किया गया था उसके करीबन एक दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू के घर पे रेड कर, कर हुई थी उनके ऑफिस और उनके घर घर के ऊपर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से एक रेड आई हुई थी और उनके ये हैदराबादी के हाउसेस में ये रेड हुई थी 8 मई 2019 को अब हम बात करें इस फिल्म के जो और स्क्रीन से उसके ऊपर तो फिल्म को 2500 सौ स्क्रीन्स मिले थे जहाँ पे यूएसए में बेंगलुरु में करीबन 400 सौ थे तो तेलुगु में ये पहली फिल्म थी जो कर बेंगलुरु में इतने हाईएस्ट स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी तो टोटल 2500 सौ के ऊपर फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो 9 मई 2019 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था जहां पे फिल्म को आई पे सात पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन साढ़े आठ हज़ार वोट किए गए थे तो इतने वोटों में डिसेंट रेटिंग थी जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था फिल्म को महेश बाबू के फैंस ने काफी सराहाया था न्यूट्रल ऑडियंस थे उसको भी ये फिल्म पसंद आ रही थी क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म के लेंथ और रन टाइम के अलावा बाकी चीज़ों को पसंद किया जा रहा था महेश बाबू के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काफ़ी तारीफ़ की गई थी इसके अलावा फ़िल्म का ओवरऑल जो काम काज किया गया था उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया थी लोगों को वो पसंद आई थी जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब रही थी जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब उससे पहले जो राइट्स होते जैसे कि ओवरसीज थे ट्रिकली राइड्स होते इसके अलावा सेटेलाइट राइट्स होते साथ ही में डिजिटल म्यूजिक डबिंग राइट्स वो सभी चीजों को बेचते बेचते प्री रिलीज बिजनेस ही डेढ़ सौ करोड़ का हो चुका था फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो थिएट्रिकली राइट्स वो बेचे गए थे वो तो सौ करोड़ में सभी वजन के मिला के जहाँ पे ब्रेक डाउन करे तो रीजन वाइज निजाम में चौबीस करोड़ में बेचे गए थे सी सीडेड में साढ़े बारह करोड़ बारह करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे उत्तराधरा में नौ करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे सात करोड़ सत्तर लाख में गुंटूर में बेचे गए थे ईस्ट गोदावरी में सात करोड़ बीस लाख में बेचे गए थे छह करोड़ में वेस्ट गोदावरी में बेचे गए थे छे करोड़ में कृष्णा में भी बेचे गए थे नौ दो करोड़ नब्बे लाख में नेल्लोर में बेचे गए थे आठ करोड़ तीस लाख में कर्नाटक में राइट्स बेचे गए थे एक करोड़ सत्तर लाख में रेस्ट ऑफ इंडिया में राइट्स बेचे गए थे और सी, सीस में चौदह करोड़ के राइट्स बेचे गए थे हिंदी डबिंग के राइट्स के ऊपर बात करें तो वो बीस करोड़ में बेचे गए थे गोल्ड माइन्स को इसके अलावा दूसरे एरिया दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स और जैसे कि ग्रेट इंडिया यूएस वालों ने इस फिल्म को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस फिल्म को साउथ रन स्टार इंटरनेशनल वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ग्रेट इंडिया फिल्म ने यूएस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था विंटेज क्रिएशंस ने ईस्ट गोदावरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था आदित्य फिल्म ने वेस्ट गोदावरी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था फार्स फिल्म ने इस फिल्म को यू में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने निजाम और उत्तराधरा में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था वी मूवीज ने गुंटूर

बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी लंबी चली थी और इस फिल्म में करीबन 50 दिनों का थिएट्रिकली रन लिया हुआ था इंडिया में जहाँ पे फिल्म ने हर एक आम, लोकेशन के ऊपर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था फिल्म के रिलीज वक़्त ही फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से महेश बाबू के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग ग्रोसर फिल्म साबित हो गई थी ये फिल्म जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी तो 100 130 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 200 करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन कर दिया जहाँ पे शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई था जिसकी बदौलत यह फिल्म हिट हो गई उसके बाद में थिएट्रिकली राइट्स के अलावा ओ म्यूजिक राइट्स डबिंग राइट्स को बेच के फिल्म ने काफी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया हुआ था अब हम

इस फिल्म को पांचवी बार जब चैनल पर प्रीमियर करवाया गया तब भी टीआरपी आर दस पॉइंट अट्ठाईस की आई हुई थी पहली बार से भी ज़्यादा ऑन एवरेज फिल्म की टीआरपी करीबन दूसरे प्रीमियर के मुकाबले चार गनी ज़्यादा थी इसके अलावा फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम मीडियो ने ग्यारह करोड़ में जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को पहली बार तीन जुलाई दो में तेलुगु वर्जन में प्रीमियर करवाया हुआ था जो थिएट्रिकली रिलीज है चौवन दिनों के बाद फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था इसके अलावा डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स तमिल कनाडा डब्ड वर्जन के लिए खरीदे हुए थे स्टार इंडिया और होटस्टार वालों ने वहीं पे तमिल और कनाडा वर्जन का जो टे टाइटल है वो है उंग कला और तमिल वर्जन के लिए वीरा महर्षि कनाडा वर्जन के लिए जिसको स्टार विजय और स्टार सुरवाना के ऊपर अट्ठारह अक्टूबर दो को प्रीमियर करवाया गया था इसके हिंदी वर्जन के राइट है गोलमाइंस के पास जिन्होंने सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों खरीदे हुए हैं फिल्म की डबिंग कम्पलीटेड है सेंसर भी है बस अब देखने वाली बात यह है कि गोलमेन्स कब तक इस फिल्म को प्रीमियर करवाता है तो एक बार फिर से मैं अब आप आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि कौन सी फिल्म कहाँ पे कितने कौन से वर्जन में देखने को मिलेगी तो महर्षि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे जेमिनी टीवी के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वही पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए जहाँ पे तमिल और कन्नड़ा दोनों वर्जन के राइट स्टार नेटवर्क के पास है स्टार विजय के ऊपर उंगल उंगा और नाम के साथ ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा स्टार सुरवाना के ऊपर बिल्कुल फ्री में कन्नाडा वर्जन वीर महर्षि आपको देखने को मिलेगा तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ राइट्स की तो अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए हैं तो महर्षि फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं भी फिल्म का जो तमिल और कन्नडा वर्जन है यानी कि उंगल कुंगा कुरुवन और वीरा महर्षि वो आपको हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है महर्षि का वो आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा कन्नडा और तमिल वर्जन आपको स्टार सुरवाना और स्टार विजय के ऊपर देखने को मिलेंगे वहीं पे ओटी की बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म मर्सी के नाम से विंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सॉरी विथ इंग्लिश सब टाइटल डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ वीरा महर्षि और उंगलका उर्वन के नाम के साथ तमिल और मल कन्नडा डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी अब हम बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स है गोलमाइंस टेलीफिल्म के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट करवा दी है सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है फिल्म का सेम नाम रखा गया है फिल्म के गाने डब नहीं किए गए इस फिल्म के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स भी उनके ही पास है तो ये फिल्म जब कभी भी टेलीविज़न पर आपको देखने को मिलेगी तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन में महर्जी के नाम से जहाँ पे वॉइस ओवर महेश बाबू का किया हुआ है संकेत महात्रे ने वहीं पर फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाएगा टेलीविजन प्रीमियर के काफी लंबे समय के बाद गोलमांस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो वहां पे ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल तो इस तरह से आप फिल्म का तेलुगु कन्नडा तमिल और हिंदी वर्जन एंजॉय कर पाओगे थिएटर सॉरी टेलीविजन और ओटीटी के ऊपर मारसी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ग्रेट स्टेज मारसी 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीनप्ले राइटिंग डायरेक्शन किया हुआ है वामसी पेडी पेली ने वामसी पेडी पेली का ही स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर हरी और एहसिर सोलोमन ने स्क्रिप्टिंग में मदद की हुई थी स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स दोनों वामसी ने ही लिखे हुए हैं प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रसाद वी पोटलेरी परम वी पोटलोरी और कविन अन्य इन तीन प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन व्याजंती मूवीज और पीवीपी सिनेमा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है ग्रेट इंडिया फिल्म्स के द्वारा जिसको यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु वर्जन में श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो दिल राजू का प्रोडक्शन है इसके अलावा इस फिल्म को करीबन 100 से 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका एक मिनट है यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे अट्ठावन मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसी के साथ फिल्म को थियेटर में रिलीज किया गया था यानी कि तेरह साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क यानी कि सिनेमाटोग्राफी किए हुए के यू मोहनन ने एडिटिंग किए हुए प्रवीण केएल ने म्यूजिक दिया हुआ है देवी श्री प्रसाद ने जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल आपको आठ सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसको तेलुगू और तमिल दोनों वर्जन में रिक्रिएट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के जो लीड कास्ट है उसमें आपको महेश बाबू पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश देखने को मिलने वाले साथ ही में जगपति बाबू कईकला सत्यनारायण कोटा श्रीनिवास राव प्रकाश राज सुधा मीनाक्षी दीक्षित अनन्या नजर साई कुमार राव रमेश मुकेश ऋषि तनिकेला भरानी पोषानी कृष्णा मुरली श्रीनिवास रेड्डी कमल कामराजू ब्रह्माजी कनकल आपको बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट में देखने को मिलेंगे इसके अलावा अदर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो पृथ्वीराज अनिस रवि प्रकाश विद्युलेखा रमन मीनाक्षी दीक्षित झांसी अन्नपूर्णा समीर रणधीर गट्टाला आनंद सनूर साना शिव नारायणा दिवी श्रवणा ఇసికా వర్మా పేట్రికా పింట్ నిట్లోజ్ పింట్ ఆశ్రితా వేమూగంతి गेटअप श्रीनु और महेश अचंटा तो ये कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट है अदर सपोर्टिंग कास्ट है तो इस फिल्म की कास्ट काफी बड़ी है लंबी कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म में काफी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है और उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा था जिन्होंने स्टोरी में एक अच्छी खासी हेल्प की हुई है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो महर्षि फिल्म की कहानी शुरू होती है ऋषि से ऋषि का किरदार प्ले कर रहे एस बाबू वो यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है रेप्यूटेड सीईओ है और उनको दुनिया में सबसे बेबड़ा बेस्ट बनना है उसकी जल्दबाजी में वो काफी सारी चीजों को सैक्रीफाइस करते खास करके उन्होंने अपने पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को भुला दिया है कुछ रिलेशनशिप से उनके उनको वो पूरी तरह से भूल चुके इस जल्दबाजी में इस हड़बड़ाहट में दुनिया में पहले नंबर पे बेस्ट रहने के लिए ये सभी चीजों को उन्होंने भुला दिया है किसी एक दिन उनको पता चलता है कि उनका एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे जिसका नाम था रवि कुमार जो अल्लाह नरेश नरेस वो रोल प्ले कर रहे हैं उनका वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड था वो और उसकी ये सक्सेस है उसके पीछे एक्चुअल हाथ उसका ही है तो अब अभी फिलहाल में उनको ऐसा पता चला है कि ऋषि काफी बड़ी सॉरी रवि काफी बड़ी मुसीबत में और उसके गांव यानी कि रामपुरम में काफी ज्यादा मुसीबतों का वो सामना कर रहा है काफी बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है तो अब ऋषि ये सभी चीजें जानने के बाद अपनी इस लाइफ को छोड़ के ये उनके पास जाता है उसकी प्रॉब्लम को देखता है उसके किस तरह से वो सफर कर रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो इसे सॉल्व कर पाता है या नहीं ऋषि क्या बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसके अलावा उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं पूजा हेगड़े का इस फिल्म में क्या किरदार है वो स्टोरी में किस तरह से हेल्प करती है वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है नो no डाउटली इस फिल्म में महेश बाबू ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है उनको आप उनके आपको टोटल तीन डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं जिसमें वो काफ़ी छाए हुए थे कॉलेज लुक सी वो अवतार उसके बाद में जिस तरह से वो मसीहा वाला किरदार प्ले करते सभी रोल में उन्होंने बखूबी काम किया हुआ है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा उनके से जो ड्रेसिंग डे, डे, सेंस था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था डिज़ाइनर ने अच्छी तरह से उनके कपड़ों को डिज़ाइन किया हुआ था इसके अलावा पूजा हेगड़े अल्लारी नरेश अपने सपोर्टिंग रोल में काफ़ी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का ये किरदार प्ले किया हुआ वो बढ़िया था अल्लाहारी नरेश ने अपने करियर में जिस तरह सपोर्टिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ था उनकी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है वो सभी टाइप के रोल प्ले कर सकते हैं कॉमेडी सीरियस अलग अलग इमोशनल डिपार्टमेंट वाले सभी रोल में वो अपना बेस्ट डिलीवर दे सकते हैं उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी वो फिल्म का मेजर एसेट पॉइंट थे पूजा हेगड़े अपने ग्लैमरस अवतार में परफेक्ट नज़र आ रही थी वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठ रही थी इसके अलावा उनका महेश बाबू के साथ जितने भी सीन क्रिएट हुए वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे फिल्म का पहला हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग है जहाँ पे कॉमेडी डोज देखने को मिलता है प्रिंसिपल कॉलेज सीन्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा वेनेला किशोर आपको काफी बढ़िया तरीके से अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का सब्जेक्ट में जो इमोशनल अवतार है जो इमोशनल चीज है वो काफी हैवी है जिसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में ये सभी चीजें देखने को मिलती है सेकंड हाफ में फिल्म काफी सीरियस हो जाती है सेकंड हाफ में काफी सारे सीन्स है जो महेश बाबू ने बढ़िया तरीके से डिलीवर किए उनके साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जैसे कि राजीव कनाकाला जय सुधारा और रमेश सभी अपने रोल में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में जो रिलेशनशिप शो करके दिखाई हुए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कमल कामराजू ने एक अच्छा किरदार प्ले किया हुआ है इस फिल्म को अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी स्लो और बड़ी है अगर वो आपको खलता नहीं है तो फिल्म अच्छी है इसके अलावा फिल्म में इमोशनल सीन और आ, प्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कहानी आप आसानी से प्रिडिक्ट कर लोगे खास करके सेकंड हाफ में इस फिल्म में आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी कुछ दिखाया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अल्ला नरेश को सेकंड हाफ में थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया जाता है उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे लव स्टोरी फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं दिखाई गई जगपा बाबू को उतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश नहीं किया हुआ है उनका महेश बाबू के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको उतनी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है फिल्म का म्यूज़िक अच्छा है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था लेकिन सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया है फिल्म के विजुअल्स वो बेहतरीन है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था इसके अलावा वो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था सॉन्ग्स में जो विजुअल्स आपको सुन देखने को मिलते हैं उसको कैमरा मैन ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है फिल्म के टोन को अच्छी तरह से कैमरा मैन ने पकड़ा हुआ था सिनेमेटोग्राफी सुम फ्रेमली वेल थी कॉलेज बैकड्रॉप यू एस सेटअप विलेज का एटमोस्फेयर आपको जरूर फील होगा उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इस फिल्म की एडिटिंग काफी इंप्रेसिव नजर आएगी हालांकि फिल्म काफी बड़ी थी उसको आसानी से पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था जहाँ पे महेश बाबू के कुछ स्टाइलिश सीन थे इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने सुपर मेनर में शूट करके हमारे सामने एडिट करके दिखाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन काफी हाई नजर आ रही थी और मेकर्स ने उसका भरपूर तरीके से यूज करके अच्छी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई है फिल्म प्रोडक्शन वैल्यू जिस तरह से हाई थी उसी तरह से फिल्म के हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था लोकेशन अच्छी अच्छी यूज की हुई थी जो फिल्म को और भी बेहतरीन और कलरफुल बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेड़ी पेली ने फिल्म के साथ डिसेंट का क्या हुआ है उन्होंने इस फिल्म से थ्रू जिस तरह से एक इमोशनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है उसमें फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी कॉलेज सभी चीज़ों का एक मिश्रण किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वो ऋषि का किरदार किरदार्टेब्लिश करते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से वो सभी चीज़ों को हमारे सामने इमोशनल मैनर में दिखाते वो बढ़िया था वो सभी चीज़ें इंप्रेसिव नजर आएगी ओवरऑल मरसी फिल्म एक ऋषि के किरदार के ऊपर बेस्ट है जहाँ पे उस किरदार के साथ महेश बाबू ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो अकेले ही पूरी फिल्म को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं

पल्लवी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने चंद्रशेखर का रोल प्ले किया हुआ है तो सभी एक्टर्स ने ये अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया हुआ है और सभी का कामबकू भी निखर के आया हुआ है तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मुन्ना 2007 में एक फिल्म आई थी वृंदावनम 2010 में आई थी यवडू 2014 में तो दिलराजू ने ये तीन फिल्में वामसी पेडी पेली के साथ इससे पहले की हुई थी और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया वाम से पेड़ी पेली के साथ 2018 की अर्ली में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन के नीचे वो महेश बाबू की 25वीं फिल्म प्रोड्यूस करने वाले जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया था हेचटेक और महर्षि फिल्म का जो टाइटल है वो नौ अगस्त दो को कन्फर्म किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग राइटिंग के ऊपर वामसी ने फर्स्ट पोस्ट वालों को इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि फिल्म में काफ़ी मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे प्रोटोकॉल की जो जर्नी है वो पूरी तरह से इस फिल्म के फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ़ के एंड तक आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे वो किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम दिखाने वाले इस फिल्म की बायोपिक आपको शायद थोड़ी सेमी बायोपिक टाइप की लग सकती है तो ये सभी चीज़ें उन्होंने लीड कैरेक्टर के थ्रू दिखाई हुई थी वो बस सभी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में कही हुई थी अब फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो स्क्रिप्टिंग का काम करने के बाद फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी काफी लंबे समय के बाद जून दो में स्टार्ट की गई थी जहाँ पर फिल्म का एक पहला शेड्यूल था वो काफ़ी लंबा रखा गया था जिसको हैदराबाद गोवा और देहरादून में शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म का एक शेड्यूल दो महीने का लंबा रखा गया था जिसको यूएस में रखा गया था और यूएस में काफी पोर्शन फिल्म के शूट किए गए थे इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो न्यूयॉर्क में सेट किया गया था और बाद में फिल्म का जो यूएस वाला शेड्यूल है वो डिले होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में नवंबर 2018 आ गया था उसके बाद में फिल्म के बाकी के पोर्शन को हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था जहां पे एक फिक्सनल विलेज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था उस सेट को क्रिएट करने में करीबन आठ करोड़ का खर्चा आया हुआ था दिसंबर दो में फिल्म के थर्ड वीक में सॉरी दिसंबर दो के थर्ड वीक में एक नया शेड्यूल था लास्ट शेड्यूल था उसको स्टार्ट किया गया था उसके बाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस है कुछ फैमिली सिक्वेंस से जिसको बाद में शूट किया गया था उसके बाद में दुबई का एक ट्रिप लिया था महेश बाबू ने एक शॉर्ट हॉलीडे लिया था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जनवरी 2019 में जहाँ पे सेकंड वीक में शेड्यूल को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे पोलाची तमिलनाडु में कुछ सीन्स को शूट किया गया था वहाँ पर करीबन काफ़ी लंबा शेड्यूल चला था उसके बाद सेम महीने में फ़िल्म का नेक्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फरवरी दो में वो शेड्यूल कम्प्लीट किया गया था पंद्रह मार्च दो तक पूरी तरह से फिल्म के पेचवर्क वर्क को जो सॉन्ग्स थे उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाए गए थे एक्शन सीक्वेंस, क्लाइमेक्स, सभी चीज़ों को तभी शूट कर लिया गया था लेकिन दो सॉन्ग्स बाकी थे जिसको 18 अप्रैल 2019 तक कंप्लीट करके रेपअप किया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर बात करें तो माह महर्षि फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफी बड़ा है जहाँ पे 31 मिनट 38 सेकंड का ये साउंड रेक है जहाँ पे इसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों देवीश्री प्रसाद ने ही क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्ज का है सॉन्ग डिसेंट है कुछ अच्छे कुछ ठीक ठाक है और इस साउंड ट्रैक को आदित्य म्यूजिक ने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में पंद्रह मई दो से अवेलेबल किया हुआ है तो फिलहाल में भी आपको हमारे फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन के गाने वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बात करें तो तेलुगु वर्जन के सभी लिरिक्स लिरिसिस्ट और राइटिंग का काम किया हुआ है श्री मनी ने मर्जी फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना है पदरा पदरा जिसके सिंगर थे शंकर महादेवन दूसरा गाना है छोटी छोटी बातें जहाँ पे बेकिंग वोकल्स है वो रानीना रेड्डी सुरमुखी श्रमन अनिता और रोशनी ने गाया हुआ है वहीं पे जो मेन सिंगर है वो देवश्री प्रसाद है तीसरा गाना नुवे समथम जिसके बेकिंग वोकल्स रनिना रेड्डी और सुरमुखी रमन ने गाया हुआ है वहीं पे सिंगर थे याजिन निजार इसके अलावा चौथा गाना एवरेस्ट अंशुना जिसके सिंगर है वेडाला हेमा और विष्णु प्रिया रवि पांचवा गाना फिर सुरु जिसके सिंगर है बेनी दयाल छठा गाना है पाला पिट्टा जिसके सिंगर है राहुल सिपलीगुंज और एम ए मानसी सातवा गाना है इदे कदा नी कदा द सोल ऑफ ऋषि इसको गाया हुआ है विजय प्रकाश ने आठवा गाना है नुवानी यदि निदानी इसको गाया हुआ है कार्तिक ने तो ये को तमिल वर्जन में भी रिक्रिएट किया गया था और इस फिल्म के म्यूजिक को यानी कि बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स को डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को कुछ अवार्ड्स के लिए भी सम्मानित किया गया था जहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड मिला हुआ था जिस तरह से मैंने कहा कि इन गानों को फिल्म पूरी फिल्म को जिस तरह से शोकेस करके कैमरा मैन ने दिखाया हो तो वो काफी शानदार था और उस वजह से इस फिल्म को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो ये तो हुई साउंड ट्रिक के ऊपर बात अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म की रिलीज काफी बार चेंज हुई है फिल्म को ओरिजिनली 25 अप्रैल 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन 6 मार्च 2019 को दिलराजू जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन की डिले की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है फिल्म का काम समय के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वजह से हम थिएट्रिकली रिलीज 9 मई 2019 को करेंगे और बाद में मर्सी फिल्म को रिलीज करना जो 9 मई 2019 को रिलीज किया गया था उसके करीबन 1 दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू के घर पे रेड कर, कर हुई थी उनके ऑफिस और उनके घर घर के ऊपर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से एक रेड आई हुई थी और उनके ये हैदराबाद के हाउसेस में ये रेड हुई थी आठ मई 2019 को अब हम बात करें इस फिल्म के जो स्क्रीन्स से उसके ऊपर तो फिल्म को पच्चीस सौ मिले थे जहाँ पे यूएसए में बेंगलुरु में करीबन चार सौ स्क्रीन्स थे तो तेलुगु में ये पहली फिल्म थी जो कर बेंगलोर में इतने हाईएस्ट स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी तो टोटल 2500 सौ स्क्रीन के ऊपर फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था तो 9 मई 2019 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था जहां पे फिल्म को आईएमडीबी पे सात पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन साढ़े आठ हजार वोट किए गए थे तो इतने वोटों में डिसेंट रेटिंग थी जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था फिल्म का महेश बाबू के फैंस ने काफी सराहा था न्यूट्रल ऑडियंस से उसको भी ये फिल्म पसंद आ रही थी क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म के लेंथ और रन टाइम के अलावा बाकी चीज़ों को पसंद किया जा रहा था महेश बाबू के कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काफ़ी तारीफ की गई थी इसके अलावा फिल्म का ओवरऑल जो काम काज किया गया था उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया थी लोगों को वो पसंद आई थी जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब रही थी जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब उससे पहले जो राइट्स होते जैसे कि ओवरसीज थिएट्रिकली राइट राइट्स होते इसके अलावा सेटेलाइट राइट्स होते साथ ही में डिजिटल म्यूजिक डबिंग राइट्स वो सभी चीज़ों को बेचते हुए बेचते प्री रिलीज बिजनेस ही डेढ़ सौ करोड़ का हो चुका था फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो थिएट्रिकल राइट्स वो बेचे गए थे वो तो सौ करोड़ में सभी वर्जन के मिला के जहाँ पे ब्रेक डाउन करे तो रीजन वाइज निज़ाम में चौबीस करोड़ में बेचे गए थे सी में साढ़े करोड़ बारह करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे उत्तरांध्रा में नौ करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे सात करोड़ सत्तर लाख में गुंटूर में बेचे गए थे ईस्ट गोदावरी में सात करोड़ बीस बीस लाख में बेचे गए थे छः करोड़ में वेस्ट गोदावरी में बेचे गए थे छः करोड़ में कृष्णा में भी बेचे गए थे नौ दो करोड़ नब्बे लाख में नेल्लोर में बेचे गए थे आठ करोड़ तीस लाख में कर्नाटक में राइट्स बेचे गए थे एक करोड़ सत्तर लाख में रेस्ट ऑफ इंडिया में राइट्स बेचे गए थे और में चौदह करोड़ के राइट्स बेचे गए थे हिंदी डबिंग के राइट्स के ऊपर बात करें तो वो बीस करोड़ में बेचे गए थे गोल माइन्स को इसके अलावा दूसरे या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स और जैसे कि ग्रेट इंडिया यूएस वालों ने इस फिल्म को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस फिल्म को साउथ रन स्टार इंटरनेशनल वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ग्रेट इंडिया फिल्म्स ने यूएस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था विंटेज क्रिएशंस ने ईस्ट गोदावरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था आदित्य फिल्म ने वेस्ट गोदावरी में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था फार्स फिल्म ने इस फिल्म को यू में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था श्री वेंटेश्वरा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने निजाम और उत्तराधरा में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था वी मूवीज ने गुंड

बेहतरीन रिस्पॉन्स हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म काफी लंबी चली थी और इस फिल्म में करीबन 50 दिनों का थिएट्रिकली रन लिया हुआ था इंडिया में जहां पे फिल्म ने हर एक लोकेशन के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था फिल्म के रिलीज वक़्त ही फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से महेश बाबू के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग ग्रोसर फिल्म साबित हो गई थी ये फिल्म जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी तो सौ एक करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 200 करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन कर दिया जहां पे शेयर कलेक्शन भी काफी हाई था जिसकी बदौलत ये फिल्म हिट हो गई उसके बाद में थिएट्रिकली राइट्स के अलावा ओटीटी म्यूजिक राइट्स डबिंग राइट्स को बेच के फिल्म ने काफी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया हुआ था अब हम बात करें होम मीडिया के ऊपर तो इस फिल्म के राइट्स सननेटॉक वालों ने 25 करोड़ में खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स वहीं पे जेमिनी टीवी वालों ने साढ़ा सोलह करोड़ में सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा तेलगू वर्जन के टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो वो 6 हजार 2019 को दशहरे के मौके पर पहली बार जेमिनी पे किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की टीआरपी हाइएस हासिल हुई थी तब नौ की इस फिल्म को पांचवी बार जब चैनल पे प्रीमियर करवाया गया तब भी टीआरपी दस की आई हुई थी पहली बार से भी ज्यादा ऑन एवरेज फिल्म की टीआरपी करीबन दूसरे प्रीमियर्स के मुकाबले चार गनी ज़्यादा थी इसके अलावा फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे हुए अमेजोन प्राइम मीडियो ने 11 करोड़ में जहां पे उन्होंने इस फिल्म को पहली बार 3 जुलाई 2019 में तेलुगु में में प्रीमियर करवाया हुआ था जो थिएट्रिकली रिलीज है तो चौवन दिनों के बाद फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था इसके अलावा डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स तमिल कनाडा डब्ड वर्जन के लिए खरीदे हुए थे स्टार इंडिया और होटस्टार वालों ने वहीं पे तमिल और कनाडा वर्जन का जो टे टाइटल है वो है उंग कला और तमिल वर्जन के लिए वीरा महर्षि कनाडा वर्जन के लिए जिसको स्टार विजय और स्टार सुरवाना के ऊपर अट्ठारह अक्टूबर दो को प्रीमियर करवाया गया था इसके हिंदी वर्जन के राइट है गोलमाइंस के पास जिन्होंने सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स दोनों खरीदे हुए हैं फिल्म की डबिंग है सेंसर सर्टिफिकेशन भी कम्पलीटेड है बस अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इस फिल्म को प्रीमियर करवाता है तो एक बार फिर से मैं अब आप आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि कौन सी फिल्म कहाँ पे कितने कौन से वर्जन में देखने को मिलेगी तो महर्षि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे जेमिनी टीवी के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके सेटेलाइट राइट्स से है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए जहां पे तमिल और कन्नड़ा दोनों वर्जन के राइट स्टार नेटवर्क के पास है स्टार विजय के ऊपर उंगल उंगा और नाम के साथ ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा स्टार सुरवाना के ऊपर बिल्कुल फ्री में कन्नाडा वर्जन वीर महर्षि आपको देखने को मिलेगा तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ राइट्स की तो अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए तो महर्षि फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं भी फिल्म का जो तमिल और कन्नडा वर्जन है यानी कि उंगल कुंगा कुरुवन और वीरा महर्षि वो आपको हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है महर्षि का वो आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा कन्नडा और तमिल वर्जन आपको स्टार सुरवाना और स्टार विजय के ऊपर देखने को मिलेंगे वहीं पे ओटी की बात करें तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म महर्षि के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सॉरी विथ इंग्लिश सब टाइटल डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ विरा महर्षि और उंगल उनका उर्वन के नाम के साथ तमिल और कन्नड़ा डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी अब हम बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स है गोलमाइंस टेलीफिल्म के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट करवा दी है सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है फिल्म का सेम नाम रखा गया है फिल्म के गाने डब नहीं किए गए इस फिल्म के टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स भी उनके ही पास है तो ये फिल्म जब कभी भी टेलीविजन पे आपको देखने को मिलेगी तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन में महर्षि के नाम से जहाँ पे वॉइस ओवर महेश बाबू का किया हुआ है संकेत महात्रे ने वहीं पर फिल्म को यूट्यूब पे प्रीमियर करवाया जाएगा टेलीविजन प्रीमियर के काफी लंबे समय के बाद गोलमाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मार्सी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ग्रेट सेज मार्सी दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किया हुआ है वामसी पेड़ी पेली ने वामसी पेड़ी पेली का ही स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर हरी और एहसिर सोलोमोन ने स्क्रिप्टिंग में मदद की हुई थी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों वामसी ने ही लिखे हुए है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रसाद वी पोटलेरी परम वी पोटलोरी और कविन अन्य इन तीन प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन व्याजंती मूवीज और पीवीपी पी सिनेमा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है ग्रेट इंडिया फिल्म्स के द्वारा जिसको यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु वर्जन में श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो दिल राजू का प्रोडक्शन है इसके अलावा इस फिल्म को करीबन 100 से 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे अट्ठावन मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसी के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यानी कि तेरह साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्कोग्राफी किए किए हुए, के हुए प्रवीण केल ने म्यूजिक दिया हुआ है देवी श्री प्रसाद ने जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही क्रिएट किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसको तेलुगू और तमिल दोनों वर्जन में रिक्रिएट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के जो लीड कास्ट है उसमें आपको महेश बाबू और अल्लारी नरेश देखने को मिलने वाले साथ ही में जगपति बाबू सत्यनारायणा कोटा राव प्रकाश राज मीनाक्षी दीक्षित अनन्या नजर साई कुमार राव रमेश मुकेश ऋषि तनिकेला भरानी पोसानी कृष्णा मुरली श्रीनिवास रेड्डी वेनेला किशोर कमल कामराजू ब्रह्मा जी राजीव कनकल आपको बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट में

श्रीनू और महेश अचंटा तो ये कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट है अदर सपोर्टिंग कास्ट है तो इस फिल्म की कास्ट काफी बड़ी है लंबी कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म में काफी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है और उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा था जिन्होंने स्टोरी में एक अच्छी खासी हेल्प की हुई है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो महर्षि फिल्म की कहानी शुरू होती है ऋषि से का केदार प्ले कर रहे महेश बाबू वो यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है रेप्यूटेड सीईओ है और उनको दुनिया में सबसे बेबड़ा बेस्ट बनना है उसकी जल्दबाजी में वो काफी सारी चीजों को सैक्रीफाइस करते खास करके उन्होंने अपने पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को भुला दिया है कुछ रिलेशनशिप उनके उनको वो पूरी तरह से भूल चुके इस जल्दबाजी में इस हड़बड़ाहट में दुनिया में पहले नंबर पे बेस्ट रहने के लिए ये सभी चीजों को उन्होंने भुला दिया है किसी एक दिन उनको पता चलता है कि उनका एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे जिसका नाम था रवि कुमार जो अल्लाश वो रोल प्ले कर रहे हैं उनका वो काफी क्लोज फ्रेंड था वो और उसकी ये सक्सेस है उसके पीछे एक्चुअल हाथ उसका ही है तो अब अभी फिलहाल में उनको ऐसा पता चला है कि ऋषि काफी बड़ी सॉरी रवि काफी बड़ी मुसीबत में और उसके गांव यानि कि रामपुरम में काफी ज्यादा मुसीबतों का वो सामना कर रहा है काफी बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है तो अब ऋषि ये सभी चीजें जानने के बाद अपनी इस लाइफ को छोड़ के उनके पास जाता है उसकी प्रॉब्लम को देखता है उसके किस तरह से वो सफ़र कर रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो इसे सॉल्व कर पाता है या नहीं ऋषि क्या बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसके अलावा उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं पूजा हेगड़े का इस फिल्म में क्या किरदार है वो स्टोरी में किस तरह से हेल्प करती है वही सब चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है नो no डाउटली इस फिल्म में महेश बाबू ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है उनको आप उनके आपको टोटल तीन डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं जिसमें वो काफ़ी छाए हुए थे कॉलेज लुक सी वो अवतार उसके बाद में जिस तरह से वो मसीहा वाला किरदार प्ले करते सभी रोल में उन्होंने बखूबी काम किया हुआ है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा उनके से जो ड्रेसिंग डे, डे, सेंस था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था डिज़ाइनर ने अच्छी तरह से उनके कपड़ों को डिजाइन किया हुआ था इसके अलावा पूजा हेगड़े लारी नरेश अपने सपोर्टिंग रोल में काफी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का ये किरदार प्ले किया हुआ है वो बढ़िया था लारी नरेश ने अपने करियर में जिस तरह सपोर्टिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ था उनकी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है वो सभी टाइप के रोल प्ले कर सकते हैं कॉमेडी सीरियस अलग अलग इमोशनल डिपार्टमेंट वाले सभी रोल में वो अपना बेस्ट डिलीवर दे सकते हैं उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफी बढ़िया नज़र आ रही थी वो फिल्म का मेजर एसेट पॉइंट थे पूजा हेगड़े अपने ग्लैमरस अवतार में परफेक्ट नजर आ रही थी वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठ रही थी इसके अलावा उनका महेश बाबू के साथ जितने भी सीन क्रिएट हुए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे फिल्म का पहला आप काफ़ी एंटरटेनिंग है जहाँ पे कॉमेडी डोज देखने को मिलता है सेंसिपल कॉलेज सीन्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा वेनेला किशोर आपको काफी बढ़िया तरीके से अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं फिल्म का सब्जेक्ट में जो इमोशनल अवतार है जो इमोशनल चीज है वो काफी हैवी है जिसको डायरेक्टर अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में यह सभी चीजें देखने को मिलती है सेकंड हाफ में फिल्म काफी सीरियस हो जाती है सेकंड हाफ में काफी सारे सीनस है जो महेश बाबू ने बढ़िया तरीके से डिलीवर किए उनके साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जैसे कि राजीव कनकला जय सुधारा और रमेश सभी अपने रोल में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में जो रिलेशनशिप शो करके दिखाई हुए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कमल कामराज ने एक अच्छा किरदार प्ले किया हुआ है इस फिल्म को अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी स्लो और बड़ी है अगर वो आपको खलता नहीं है तो फिल्म अच्छी है इसके अलावा फिल्म में इमोशनल सीन और प्रिडिक्टेबल प्रिडक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कहानी आप आसानी से प्रिडिक्ट लोगे खास करके सेकंड हाफ़ में इस फिल्म में आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी कुछ दिखाया हुआ है उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अल्ला नरेश को सेकंड हाफ़ में थोड़ा साइड ट्रेक कर दिया जाता है उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे लव स्टोरी फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं दिखाई गई जगपा बाबू को उतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश नहीं किया हुआ है उनका महेश बाबू के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको उतनी अच्छी तरह से स्टेबलिश नहीं किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था लेकिन सॉन्ग्स काफी बढ़िया है फिल्म के विजुअल्स और बेहतरीन है बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था इसके अलावा वो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था सॉन्ग्स में जो विजुअल्स आपको सुन देखने को मिलते हैं उसको कैमरा मैन ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है फिल्म के टोन को अच्छी तरह से कैमरा मैन ने पकड़ा हुआ था सिनेमेटोग्राफी सुम फ्रेमली वेल थी कॉलेज बैकड्रॉप यू एस सेटअप विलेज का एटमोस्ट फिर आपको जरूर फिल होगा उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इस फिल्म की एडिटिंग काफी इंप्रेसिव नजर आएगी हालांकि फिल्म काफी बड़ी थी उसको आसानी से पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था जहां पे महेश बाबू के कुछ स्टाइलिश सीन थे इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने सुपर मेनर में शूट करके हमारे सामने एडिट करके दिखाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन काफी हाई नजर आ रही थी और मेकर्स ने उसका भरपूर तरीके से यूज करके अच्छी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन जिस तरह से हाई थी उसी तरह से फिल्म के हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रहा था लोकेशन अच्छी अच्छी यूज़ की हुई थी जो फिल्म को और भी बेहतरीन और कलरफुल बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेड़ी पेली ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म के थ्रू जिस तरह से एक इमोशनल सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है उसमें फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी कॉलेज सभी चीज़ों का एक मिश्रण किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से, से वो ऋषि का किरदार किरदार्टेब्लिश करते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से वो सभी चीज़ों को हमारे सामने इमोशनल मैनर में दिखाते हैं वो बढ़िया था वो सभी चीज़ें इंप्रेसिव नज़र आएगी ओवरऑल मरसी फिल्म एक ऋषि के किरदार के ऊपर बेस्ट है जहाँ पे उस किरदार के साथ महेश बाबू ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो अकेले ही पूरी फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं उनको बेहतरीन वे में अल्लाह री नारेश सपोर्ट करते हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका रोल छोटा है तो इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ये फिल्म देखने लायक फिल्म है जिस वजह से इसे मिस नहीं करना चाहिए महेश बाबू के करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म है महेश बाबू ने इस फिल्म में के ऋषि कुमार का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े ने पूजा का रोल प्ले किया हुआ है जो ऋषि का लव इंटरेस्ट है और गेमिंग कंपनी में काम कर रही है अल्लाह अल्लाह री नारेश आपको रवि

पल्लवी रवि के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया है नजर ने सिर्फ चैप मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है सां धीना ने साय कुमार ने पल्लवी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने चंद्रशेखर का रोल प्ले किया हुआ है तो सभी एक्टर्स ने ये अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया हुआ है और सभी का कामबकूबी निखर के आया हुआ है तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मुन्ना 2007 में एक फिल्म आई थी वृंदावनम 2010 में आई थी येडू 2014 में तो दिलराजू ने ये तीन फिल्में वामसी पेली के साथ इससे पहले की हुई थी और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया वाम से पेली पेली के साथ 2018 के की अर्ली में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन के नीचे ओ महेश बाबू की 25वीं फिल्म प्रोड्यूस करने वाले जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया था हेस्टेक एस एस एम बी ट्वेंटी फाइव और महर्षि फिल्म का जो टाइटल है वो नौ अगस्त दो हज़ार अट्ठारह को कन्फर्म किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग राइटिंग के ऊपर वामसी ने फर्स्ट पोस्ट वालों को इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि फिल्म में काफ़ी मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे प्रोटोग की जो जर्नी है वो पूरी तरह से इस फिल्म के, के फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ के एंड तक आपको देखने को मिलेगी जहाँ वो किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम दिखाने वाले इस फिल्म की बायोपिक आपको शायद थोड़ी सेमी बायोपिक टाइप की लग सकती है तो ये सभी चीज़ें उन्होंने लीड कैरेक्टर के थ्रू दिखाई हुई थी वो बस सभी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में कही हुई थी अब फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो स्क्रिप्टिंग का काम करने के बाद फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी काफ़ी लंबे समय के बाद जून 2018 में स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का एक पहला शेड्यूल था वो काफ़ी लंबा रखा गया था जिसको हैदराबाद गोवा और देहरादून में शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म का एक शेड्यूल दो महीने का लंबा रखा गया था जिसको यूएस में रखा गया था और यूएस में काफ़ी पोर्शन फिल्म के शूट किए गए थे इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो न्यूयॉर्क में सेट किया गया था और बाद में फिल्म का जो यूएस वाला शेड्यूल है वो डिले होने की वजह से फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में नवंबर 2018 आ गया था उसके बाद में फिल्म के बाकी के पोर्शन को हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था जहां पे एक फिक्सनल विलेज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था उस सेट को क्रिएट करने में करीबन आठ करोड़ का खर्चा आया हुआ था दिसंबर दो में फिल्म के थर्ड वीक में सॉरी दिसंबर दो के थर्ड वीक में एक नया शेड्यूल था लास्ट शेड्यूल था उसको स्टार्ट किया गया था उसके बाद में कुछ एक्शन सीक्वेंस है कुछ फैमिली सीक्वेंस है जी। जिसको बाद में शूट किया गया था उसके बाद में दुबई का एक ट्रिप लिया था महेश बाबू ने एक शॉर्ट हॉलीडे लिया था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जनवरी 2019 में जहाँ पे सेकंड वीक में शेड्यूल को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे पोलाची तमिलनाडु में कुछ सीन्स को शूट किया गया था वहाँ पर करीबन काफ़ी लंबा शेड्यूल चला था उसके बाद सेम महीने में फ़िल्म का नेक्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फरवरी दो में वो शेड्यूल कम्प्लीट किया गया था पंद्रह मार्च दो हज़ार उन्नीस तक पूरी तरह से फिल्म के पेच वर्क को जो सॉन्ग्स थे उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाए गए थे एक्शन सीक्वेंस क्लाइमेक्स सभी चीज़ों को तभी शूट कर लिया गया था लेकिन दो सॉन्ग्स बाकी थे जिसको अट्ठारह अप्रैल दो हज़ार उन्नीस तक कम्प्लीट करके रेपअप किया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इस फिल्म के साउंड ट्रेक के ऊपर बात करें तो माहौल महर्षि फिल्म का जो साउंड ट्रेक है वो काफी बड़ा है जहाँ पे 31 मिनट 38 सेकंड का साउंड ट्रेक है जहाँ पे इसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों देवीश्री प्रसाद ने ही क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे का है सॉन्ग डिसेंट है कुछ अच्छे है कुछ ठीक ठाक है और इस साउंड ट्रैक को आदित्य म्यूजिक ने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में पंद्रह मई दो से अवेलेबल किया हुआ है तो फिलहाल में भी आपको महर्षि फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन के गाने वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बात करें तो तेलुगु वर्जन के सभी लिरिस, लिरिसिस्ट और राइटिंग का काम किया हुआ है श्री मनी ने मर्जी फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना है पदरा पदरा जिसके सिंगर थे शंकर महादेवन दूसरा गाना है छोटी छोटी बातें जहाँ पे बेकिंग वोकल है वो रानीना रेड्डी सुरमुखी श्रमन अनिता और रोशनी ने गाया हुआ है वहीं पे जो मेन सिंगर है वो देवीश्री प्रसाद है तीसरा गाना समथम जिसके बेकिंग वोकल्स रनिना रेड्डी और सुरमुखी रमन ने गाया हुआ है वहीं पे सिंगर थे याजिन निजार इसके अलावा चौथा गाना एवरेस्ट अंशुना जिसके सिंगर है वेडला हेमा और विष्णु प्रिया रवि पांचवा गाना फिर शुरू जिसके सिंगर है बेनी दयाल छठा गाना है पाला पिट्टा जिसके सिंगर है राहुल सिपली गुंज और एम ए मानसी सातवा गाना है इदे कदा नी कदा द सोल ऑफ ऋषि इसको गाया हुआ है विजय प्रकाश ने आठवा गाना है नूव नी निदानी इसको गाया हुआ है कार्तिक ने तो ये राउंड ट्रेक को तमिल वर्जन में भी रिक्रिएट किया गया था और इस फिल्म के म्यूजिक को यानी कि बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स को डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को कुछ अवार्ड्स के लिए भी सम्मानित किया गया था जहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड मिला हुआ था जिस तरह से मैंने कहा कि इन गानों को फिल्म पूरी फिल्म को जिस तरह से शोकेस कैमरा मैन ने दिखाया हुआ था वो काफी शानदार था और उस वजह से इस फिल्म को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो ये तो हुई साउंड्री के ऊपर बात अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म की रिलीज काफी बार चेंज हुई है फिल्म को ओरिजिनली पच्चीस अप्रैल दो को रिलीज करने वाले थे लेकिन 6 मार्च 2019 को दिलराजू जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर उन्होंने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन की डिले की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है फिल्म का काम समय के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वजह से हम थिएट्रिकली रिलीज 9 मई 2019 को करेंगे और बाद में मर्सी फिल्म को रिलीज करना जो 9 मई 2019 को रिलीज किया गया था उसके करीबन एक दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू के घर पे रेड कर कर हुई थी उनके ऑफिस और उनके घर घर के ऊपर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से एक रेड आई हुई थी और उनके ये हैदराबाद के हाउसेस में ये रेड हुई थी आठ मई 2019 को अब हम बात करें इस फिल्म के जो स्क्रीन से उसके ऊपर तो फिल्म को पच्चीस सौ स्क्रीन्स मिले थे जहाँ पे यूएसए में बेंगलुरु में करीबन चार सौ थे तो तेलुगु में ये पहली फिल्म थी जो कर बेंगलोर में इतने हाईएस्ट स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी तो टोटल 2500 स्क्रीन्स स्क्रीन के ऊपर फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था तो 9 मई 2019 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया था जहां पे फिल्म को आई पे सात पॉइंट दो की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीबन साढ़े आठ हज़ार वोट किए गए थे तो इतने वोटों में एक डिसेंट रेटिंग थी जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था फिल्म को महेश बाबू के फैंस ने काफी सराहाया था न्यूट्रल ऑडियंस थे उसको भी ये फिल्म पसंद आ रही थी क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म के लेंथ और रन टाइम के अलावा बाकी चीज़ों को पसंद किया जा रहा था महेश बाबू के करेक्टराइजेशन के ऊपर काफ़ी तारीफ की गई थी इसके अलावा फिल्म का ओवरऑल जो काम काज किया गया था उसकी ट्रीटमेंट बढ़िया थी लोगों को वो पसंद आई थी जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब रही थी जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब उससे पहले जो राइट्स होते जैसे कि ओवरसीज थ्रिकली राइट्स डेढ़ सौ करोड़ का हो चुका था फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो राइट्स, वो, वो तो सौ करोड़ में सभी वर्जन के मिला के जहाँ पे ब्रेक डाउन करे तो रीजन वाइज निजाम में चौबीस करोड़ में बेचे गए थे सीडेड में साढ़े बारह करोड़ बारह करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे उत्तराधरा में नौ करोड़ साठ लाख में बेचे गए थे सात करोड़ सत्तर लाख में गुंटूर में बेचे गए थे ईस्ट गोदावरी में सात करोड़ बीस बीस लाख में बेचे गए थे छः करोड़ में वेस्ट गोदावरी में बेचे गए थे छः करोड़ में कृष्णा में भी बेचे गए थे नौ दो करोड़ नब्बे लाख में नेल्लोर में बेचे गए थे आठ करोड़ तीस लाख में कर्नाटक में राइट्स बेचे गए थे एक करोड़ सत्तर लाख में रेस्ट ऑफ इंडिया में राइट्स बेचे गए थे और में चौदह करोड़ के राइट्स बेचे गए थे हिंदी डबिंग के राइट्स के ऊपर बात करें तो वो बीस करोड़ में बेचे गए थे गोल माइन्स को इसके अलावा दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स और जैसे कि ग्रेट इंडिया यूएस वालों ने इस फिल्म को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस फिल्म को साउथन स्टार इंटरनेशनल वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ग्रेट इंडिया फिल्म ने यूएस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था विंटेज क्रिएशन ने ईस्ट गोदावरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था आदित्य फिल्म ने वेस्ट गोदावरी God... में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था फार्स फिल्म ने इस फिल्म को यूए में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने निजाम और उत्तराधरा में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था वी मूवीज ने गुंटू में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था राइजिंग स्टार एंटरटेनमेंट ने यूके में, में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था जी मूवीज ने कृष्णा में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट था वहीं पे स्वागत एंटरप्राइज ने इस फिल्म को कर्नाटक में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो ये कुछ रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर थे इससे पहले मैंने आपको जो प्राइस राइट्स जो मैंने प्राइस बताई हुई थी कि प्री रिलीज में इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज में इतना 100 करोड़ में बेचे गए थे उसका ब्रेकडाउन करके भी बता दिया है तो इसके सामने फिल्म ने काफी बेहतरीन रिस्पांस हासिल किया हुआ था जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी लंबी चली थी और इस फिल्म में करीबन 50 दिनों का थिएट्रिकली रन लिया हुआ था इंडिया में जहाँ पे फिल्म ने हर एक आ, लोकेशन के ऊपर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था फिल्म के रिलीज वक्त ही फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से महेश बाबू के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग ग्रोसर फिल्म साबित हो गई थी ये फिल्म जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे करीबन 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी तो सौ एक करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने दो करोड़ के ऊपर का ग्रोस कलेक्शन कर दिया पे कलेक्शन भी काफी हाई था जिसकी बदौलत ये फिल्म हिट हो गई उसके बाद में थिएट्रिकली राइट्स के अलावा ओ म्यूजिक राइट्स डबिंग राइट्स को बेच के फिल्म ने काफी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया हुआ था अब हम बात करें होम मीडिया के ऊपर तो इस फिल्म के राइट्स सन नेटवर्क वालों ने 25 करोड़ में खरीदे हुए सैटेलाइट राइट्स वहीं पे जेमिनी टी वालों ने साढ़ा सोलह करोड़ में सिर्फ तेलुगू वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा तेलुगु वर्जन के टेलीविजन प्रीमियर की बात करें तो वो 6 अक्टूबर 2019 को दशहरे के मौके पर पहली बार जेमिनी टी वी किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की टीआरपी हाईएस्ट हासिल हुई थी तब नौ की इस फिल्म को पांचवीं बार जब, जब चैनल पर प्रीमियर करवाया गया तब भी टी आर की आई हुई थी पहली बार से भी ज्यादा ऑन एवरेज फिल्म की टीआरपी करीबन दूसरे प्रीमियर्स के मुकाबले चार गनी ज़्यादा थी इसके अलावा फ़िल्म के डिजिटल राइट्स खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो ने 11 करोड़ में जहां पे उन्होंने इस फिल्म को पहली बार 3 जुलाई 2019 में तेलुगु में में प्रीमियर करवाया हुआ था जो थिएट्रिकली है चौवन दिनों के बाद फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था इसके अलावा डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स तमिल कनाडा डब्ड वर्जन के लिए खरीदे हुए थे स्टार इंडिया और होटस्टार वालों ने वहीं पे तमिल और कनाडा वर्जन का जो टाइटल है वो है उंग कला और तमिल वर्जन के लिए वीरा महर्षि कनाडा वर्जन के लिए जिसको स्टार विजय और स्टार सुरवाना के ऊपर अट्ठारह अक्टूबर दो को प्रीमियर करवाया गया था इसके हिंदी वर्जन के राइट है और राइट दोनों खरीदे हुए। फिल्म की डबिंग प्रीमियर करवाता है तो एक बार फिर से मैं आप आप आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि कौन सी फिल्म कहाँ पे कितने कौन से वर्जन में देखने को मिलेगी तो महर्षि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको टेलीविजन पे जेमिनी टीवी के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसके सेटेलाइट राइट है से वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए है जहाँ पे तमिल और कन्नड़ा दोनों वर्जन के राइट स्टार नेटवर्क के पास है स्टार विजय के ऊपर उंगल उंगा और नाम के साथ ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी इसके अलावा स्टार सुरवाना के ऊपर बिल्कुल फ्री में कनाडा वर्जन वीर महर्षि आपको देखने को मिलेगा तो ये तो हुई टेलीविजन की बात अब बात करें ओ राइट्स की तो अमेजोन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के तेलुगु वर्जन के ओ राइट्स खरीदे हुए तो महर्षि फिल्म आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो तमिल और कन्नडा वर्जन है यानी कि उंगल कुंगा कुरुवन और वीरा महर्षि वो आपको हॉटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है महर्षि का वो आपको जेमिनी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा कन्नडा और तमिल वर्जन आपको स्टार सुरवाना और स्टार विजय के ऊपर देखने को मिलेंगे वहीं पे ओटी की बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये फिल्म मर्सी के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु वर्जन में देखने को मिलेगी वहीं पे हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन सॉरी विथ इंग्लिश सब टाइटल डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ वीरा महर्षि और उंगल उनका के नाम के साथ तमिल और मतलब कन्नड़ा डब्ड वर्जन में देखने को मिलेगी अब हम बात करें इस फिल्म के हिंदी वर्जन के ऊपर तो उसके राइट्स है गोलमाइंस टेलीफिल्म के पास जिन्होंने फिल्म की डबिंग कंप्लीट करवा दी है सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है फिल्म का सेम नाम रखा गया है फिल्म के गाने डब नहीं किए गए इस फिल्म के टेलीविज़न प्रीमियर के राइट्स भी उनके ही पास है तो ये फिल्म जब कभी भी टेलीविजन पर आपको देखने को मिलेगी तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन में महर्षि के नाम से जहाँ पे वॉइस ओवर महेश बाबू का किया हुआ है संकेत महात्रे ने वहीं पर फिल्म को यूट्यूब पर प्रीमियर करवाया जाए

वो यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है रेप्यूटेड सीईओ है और उनको दुनिया में सबसे जल्दबाजी में वो काफी, काफी भूल चुके इस जल्दबाजी में इस हड़बड़ाहट में दुनिया में पहले नंबर पे बेस्ट रहने के लिए ये सभी चीजों को उन्होंने भुला दिया है किसी एक दिन उनको पता चलता है कि उनका एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे जिसका नाम था रवि कुमार जो रे नरेश वो रोल प्ले कर रहे हैं उनका वो काफी क्लोज फ्रेंड था वो और उसकी ये सक्सेस है उसके पीछे एक्चुअल हाथ उसका ही है तो अब अभी फिलहाल में उनको ऐसा पता चला है कि ऋषि काफी बड़ी सॉरी रवि काफी बड़ी मुसीबत में और उसके गांव यानि कि रामपुरम में काफी ज्यादा मुसीबतों का वो सामना कर रहा है काफी बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है तो अब ऋषि ये सभी चीजें जानने के बाद अपनी इस लाइफ को छोड़ के उनके पास जाता है उसकी प्रॉब्लम को देखता है उसके किस तरह से वो सफ़र कर रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो इसे सॉल्व कर पाता है या नहीं ऋषि क्या बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसके अलावा उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं पूजा हेगड़े का इस फिल्म में क्या किरदार है वो स्टोरी में किस तरह से हेल्प करती है वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है नो no डाउटली इस फिल्म में महेश बाबू ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है उनको आप उनके आपको टोटल तीन डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं जिसमें वो काफ़ी छाए हुए थे कॉलेज लुक सी वो अवतार उसके बाद में जिस तरह से वो मसीहा वाला किरदार प्ले करते थे सभी रोल में उन्होंने बखूबी काम किया हुआ है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा उनके से जो ड्रेसिंग डे, डे, सेंस था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था डिज़ाइनर ने अच्छी तरह से उनके कपड़ों को डिज़ाइन किया हुआ था इसके अलावा पूजा हेगड़े अल्ला नरेश अपने सपोर्टिंग रोल में काफ़ी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का ये किरदार प्ले किया हुआ है वो बढ़िया था अल्लारी नरेश ने अपने करियर में जिस तरह से सपोर्टिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ था उनकी तारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है वो सभी टाइप के रोल प्ले कर सकते हैं कॉमेडी सीरियस अलग अलग इमोशनल डिपार्टमेंट वाले सभी रोल में वो अपना बेस्ट डिलीवर दे सकते हैं उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी वो फिल्म का मेजर एसेट पॉइंट थे पूजा हेगड़े अपने ग्लैमरस अवतार में परफेक्ट नजर आ रही थी वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठ रही थी इसके अलावा उनका महेश बाबू के साथ जितने भी सीन क्रिएट हुए वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे फिल्म का पहला हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग है जहाँ पर कॉमेडी डोज देखने को मिलता है सेंसिपल कॉलेज सीन्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा वेनेला किशोर आपको काफी बढ़िया तरीके से अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करने में कामयाब रहते है फिल्म का सब्जेक्ट में जो इमोशनल अवतार है जो इमोशनल चीज है वो काफी हैवी है जिसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है खास करके आप में ये सभी देखने को मिलती है सेकंड हाफ में फिल्म काफी सीरियस हो जाती है सेकंड हाफ में काफी सारे सीनस है जो महेश बाबू ने बढ़िया तरीके से डिलीवर किए उनके साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जैसे कि राजीव कना काला जय सुधारा और रमेश सभी अपने रोल में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में जो रिलेशनशिप शोकेस करके दिखाई हुई वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कमल कामराजू ने एक अच्छा किरदार प्ले किया हुआ है इस फिल्म को अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी स्लो और बड़ी है अगर वो आपको खलता नहीं है तो फिल्म अच्छी है इसके अलावा फिल्म में इमोशनल सीन और आ, प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा है कहानियां आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लोगे खासकर के सेकंड हाफ में इस फिल्म में आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी कुछ दिखाया हुआ है उसको काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अल्ला नरेश को सेकंड हाफ में थोड़ा साइड ट्रिक कर दिया जाता है उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे लव स्टोरी फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं दिखाई गई जगपा बाबू को उतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश नहीं किया हुआ है उनका महेश बाबू के साथ कॉन्फ्लिक पॉइंट था उसको उतनी अच्छी तरह से स्टेबलिश नहीं किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था लेकिन सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया है फिल्म के विजुअल्स वो बेहतरीन है बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा था इसके अलावा वो सीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा था सॉन्ग्स में जो विजुअल्स आपको सुन देखने को मिलते हैं उसको कैमरा मैन ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है फिल्म के टोन को अच्छी तरह से कैमरा मैन ने पकड़ा हुआ था सिनेमेटोग्राफी सुम फ्रेमली वेल थी कॉलेज बैकड्रॉप यूएस सेटअप विलेज का एटमोस्फे फेयर आपको जरूर फील होगा उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से सभी चीजों को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इस फिल्म की एडिटिंग काफी इंप्रेसिव नजर आएगी हालांकि फिल्म काफी बड़ी थी उसको आसानी से पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था जहां पे महेश बाबू के कुछ स्टाइलिश सीन थे इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने सुपर मेनर में शूट करके हमारे सामने एडिट करके दिखाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन काफी हाई नजर आ रही थी और मेकर्स ने उसका भरपूर तरीके से यूज करके अच्छी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वाले जिस तरह से हाई थी उसी तरह से फिल्म के हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नजर आ रही थी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफ़ी परफेक्ट नजर आ रहा था लोकेशन अच्छी अच्छी यूज की हुई थी जो फिल्म को और भी बेहतरीन और कलरफुल बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेड़ी पेली ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म के थ्रू जिस तरह से एक इमोशनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है उसमें फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी कॉलेज सभी चीज़ों का एक मिश्रण किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वो ऋषि का किरदार किरदार्टेब्लिश करते हैं सेकंड हाफ में जिस तरह से वो सभी चीजों को हमारे सामने इमोशनल मैनर में दिखाते हैं वो बढ़िया था वो सभी चीजें के के उनको बेहतरीन वे में अल्लाह सपोर्ट करते हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका रोल छोटा है तो इस फिल्म को आप जरूर एंजॉय कर पाओगे ये फिल्म देखने लायक फिल्म है जिस वजह से इसे मिस नहीं करना चाहिए महेश बाबू के करियर की वन ऑफ़ बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म फिल्म में में ने इस फिल्म के कुमार का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े ने पूजा का रोल प्ले किया है जो ऋषि का लव इंटरेस्ट है और गेमिंग कंपनी में काम कर रही है अल्लाह आपको अल्ला नरेश रविशंकर के रोल में दिखाई देंगे जो ऋषि के बेस्ट फ्रेंड है जगपति बाबू ने विवेक मित्तल का रोल प्ले किया है जो मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है इसके अलावा काल सत्यनारायण ने पूजा पे के पेटरनल ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है कोटा श्रीनाव राव ने पूजा के मेटर्नल ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज आपको के सत्यनारायण यानी कि ऋषि के फादर के रोल में दिखाई देंगे जया जयासुधा ने ऋषि के माँ का रोल प्ले किया हुआ है मीनाक्षी दीक्षित ने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है अनन्या ने पल्लवी रवि के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ है नजर ने सिर्फ चेप मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है साई धीना ने साई कुमार ने पल्लवी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है ने चंद्रशेखर का रोल प्ले किया हुआ है तो सभी इक्टस ने ये अलग-अलग कैरेक्टर को प्ले किया हुआ है और सभी का काम बखूबी निखर के आया हुआ है तो ये कुछ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे मारसी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है ग्रेट सेज महर्षि 2019 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डिरेक्शन किया का ही स्टोरी एरिया था उसके ऊपर हरी और एहसी सोलोमोन ने स्क्रिप्टिंग में मदद की हुई थी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों वामसी ने ही लिखे हुए है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रसाद वी पोटलेरी, परम वी पोटलोरी और कविन अन्य इन तीन प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी यानी कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन व्याजंती मूवीज और पीवीपी सिनेमा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है ग्रेट इंडिया फिल्म्स के द्वारा जिसको यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था हिंदी वर्जन सॉरी तेलुगु वर्जन में श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो दिल राजू का प्रोडक्शन है इसके अलावा इस फिल्म को करीबन 100 से 130 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसका रन टाइम करीबन एक मिनट है यानी कि यह फिल्म करीबन आपको दो घंटे अट्ठावन मिनट के आसपास के देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है इसी के साथ फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था यानी कि तेरह साल से सभी लोग ये फिल्म को जरूर देख सकते हैं अब हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कैमरा वर्क यानी कि सिनेमाटोग्राफी किए हुई है के यू मोहनन ने एडिटिंग किए हुए प्रवीण केएल ने म्यूजिक दिया हुआ है देवीश्री प्रसाद ने जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल आपको आठ सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे जिसको तेलुगू और तमिल दोनों वर्जन में रिक्रिएट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के जो लीड कास्ट है उसमें आपको महेश बाबू पूजा हेगड़े और अल्लारी नरेश देखने को मिलने वाले साथ ही में जगपति बाबू कोटा श्रीनिवास राव प्रकाश राज जया सुधा मीनाक्षी दीक्षित अनन्या नजर साई कुमार राव रमेश मुकेश ऋषि तनिकेला भरानी पोषानी कृष्णा मुरली श्रीनिवास रेड्डी वेनेला किशोर कमल कामराजू ब्रह्मा जी राजीव कनकल आपको बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट में

गेटअप श्रीनु और महेश अचंटा तो ये कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट है अदर सपोर्टिंग कास्ट है तो इस फिल्म की कास्ट काफी बड़ी है लंबी कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है इस फिल्म में काफी सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है और उनका परफॉर्मेंस जरूर अच्छा था जिन्होंने स्टोरी में एक अच्छी खासी हेल्प की हुई है अब हम इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो महर्षि फिल्म की कहानी शुरू होती है ऋषि से ऋषि का किरदार प्ले कर रहे महेश बाबू वो यूएस में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ है रेप्यूटेड सीईओ है और उनको दुनिया में सबसे बेबड़ा बेस्ट बनना है उसकी जल्दबाजी में वो काफी सारी चीजों को करते खास करके उन्होंने अपने पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को भुला दिया है कुछ रिलेशनशिप उनके उनको वो पूरी तरह से भूल चुके इस जल्दबाजी में इस हड़बड़ाहट में दुनिया में पहले नंबर पे बेस्ट रहने के लिए ये सभी चीजों को उन्होंने भुला दिया है किसी एक दिन उनको पता चलता है कि उनका एक दोस्त था कॉलेज टाइम पे जिसका नाम था रवि कुमार जो नरेश वो रोल प्ले कर रहे हैं उनका वो काफी क्लोज फ्रेंड था वो और उसकी ये सक्सेस है उसके पीछे एक्चुअल हाथ उसका ही है तो अब अभी फिलहाल में उनको ऐसा पता चला है कि ऋषि काफी बड़ी सॉरी रवि काफी बड़ी मुसीबत में और उसके गांव यानी कि रामपुरम में काफी ज्यादा मुसीबतों का वो सामना कर रहा है काफी बड़े ट्रबल में फंसा हुआ है तो अब ऋषि ये सभी चीजें जानने के बाद अपनी इस लाइफ को छोड़ के उनके पास जाता है उसकी प्रॉब्लम को देखता है उसके किस तरह से वो सफ़र कर रहा है उसको सोल्व करने की कोशिश करता है तो वो इससे सोल्व कर पाता है या नहीं ऋषि क्या बेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसके अलावा उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं पूजा हेगड़े का इस फिल्म में क्या किरदार है वो स्टोरी में किस तरह से हेल्प करती है वही सब चीज़ें फिल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है नो no डाउटली इस फिल्म में महेश बाबू ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है उनको आप उनके आपको टोटल तीन डिफरेंट अवतार देखने को मिलते हैं जिसमें वो काफ़ी छाए हुए थे कॉलेज लुक सी अवतार उसके बाद में जिस तरह से वो मसीहा वाला किरदार दर्प लेकर थे सभी रोल में उन्होंने बखूबी काम किया हुआ है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगा उनके से जो ड्रेसिंग सेंस था वो भी काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था डिज़ाइनर ने अच्छी तरह से उनके कपड़ों को डिजाइन किया हुआ था इसके अलावा पूजा हेगड़े अल्ला नरेश अपने सपोर्टिंग रोल में काफ़ी बेहतरीन थे जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का ये किरदार प्ले किया हुआ है वो बढ़िया था लारी नरेश ने अपने करियर में जिस तरह सपोर्टिंग रोल प्ले करने का डिसीजन लिया हुआ था उनकी तारीफ करने पड़ेगी उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है वो सभी टाइप के रोल प्ले कर सकते हैं कॉमेडी सीरियस अलग अलग इमोशनल डिपार्टमेंट वाले सभी रोल में वो अपना बेस्ट डिलीवर दे सकते हैं उनकी केमिस्ट्री महेश बाबू के साथ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी वो फिल्म का मेजर एसेट पॉइंट थे पूजा हेगड़े अपने ग्लैमरस अवतार में परफेक्ट नज़र आ रही थी वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठ रही थी इसके अलावा उनका महेश बाबू के साथ जितने भी सीन क्रिएट हुए वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे फिल्म का पहला हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग है जहाँ पे कॉमेडी डोज देखने को मिलता है प्रिंसिपल कॉलेज सीन्स देखने को मिलते हैं इसके अलावा वेनेला किशोर आपको काफी बढ़िया तरीके से अपने छोटे से रोल में इंप्रेस करने में कामयाब रहे थे फिल्म का सब्जेक्ट में जो इमोशनल अवतार है जो इमोशनल चीज है वो काफी हैवी है जिसको डायरेक्टर ने अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है खास करके सेकंड हाफ में ये सभी चीजें देखने को मिलती है सेकंड हाफ में फिल्म काफी सीरियस हो जाती है सेकंड हाफ में काफी सारे सीनस है जो महेश बाबू ने बढ़िया तरीके से डिलीवर किए उनके साथ में जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है जैसे कि राजीव कनकाला जय सुधारा और रमेश सभी अपने रोल में काफी नेचुरल नजर आ रहे थे प्रकाश राज महेश बाबू के बीच में जो रिलेशनशिप शोकेस करके दिखाई हुए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कमल कामराजू ने एक अच्छा किरदार प्ले किया हुआ है इस फिल्म को अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो थोड़ी स्लो और बड़ी है अगर वो आपको खलता नहीं है तो फिल्म अच्छी है इसके अलावा फिल्म में इमोशनल सीन और प्रेडिक्टेबल uh, प्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा है कहानी आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लोगे खासकर के सेकंड हाफ में इस फिल्म में आपको कुछ नया तो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी कुछ दिखाया हुआ है उसको काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में अल्ला नरेश को सेकंड हाफ में थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया जाता है उसको थोड़ा बेटर कर सकते थे लव स्टोरी फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग मैनर में नहीं दिखाई गई है जगपा बाबू को उतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने पेश नहीं किया हुआ है उनका महेश बाबू के साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था उसको उतनी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है फिल्म का म्यूजिक अच्छा है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था लेकिन सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया है फिल्म के विजुअल्स वो बेहतरीन है बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा था इसके अलावा वो सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा था सॉन्ग्स में जो विजुअल्स आप को सुन देखने को मिलते हैं उसको कैमरा मैन ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है फिल्म के टोन को अच्छी तरह से कैमरा मैन ने पकड़ा हुआ था सिनेमेटोग्राफी सुम फ्रेमली वेल थी कॉलेज बैकड्रॉप यूएस सेटअप विलेज का एटमोसफियर आपको ज़रूर फील होगा उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इस फिल्म की एडिटिंग काफ़ी इंप्रेसिव नजर आएगी हालांकि फिल्म काफ़ी बड़ी थी उसको आसानी से पंद्रह बीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था जहाँ पे महेश बाबू के कुछ स्टाइलिश सीन थे इसके अलावा कुछ दूसरी ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने सुपर मेनर में शूट करके हमारे सामने एडिट करके दिखाया हुआ है इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी हाई नजर आ रही थी और मेकर्स ने उसका भरपूर तरीके से यूज़ करके अच्छी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश की हुई है फिल्म के के प्रोडक्शन जिस तरह तरह से से हाई थी, उसी तरह से फिल्म के हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी परफेक्ट नजर आ रहा था लोकेशन अच्छी अच्छी यूज की हुई थी जो फिल्म को और भी बेहतरीन और कलरफुल बना रही थी इस फिल्म के डायरेक्टर वामसी पेड़ पेली ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है उन्होंने इस फिल्म के थ्रू जिस तरह से एक इमोशनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है उसमें फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी कॉलेज सभी चीज़ों का एक मिश्रण किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वो ऋषि का किरदार किरदार्टेब्लिश करते सेकेंड हाफ में जिस तरह से वो सभी चीज़ों को हमारे सामने इमोशनल मैनर में दिखाते वो बढ़िया था वो सभी चीज़ें इंप्रेसिव नज़र आएगी ओवरऑल महर्षि फिल्म एक ऋषि के किरदार के ऊपर बेस्ट है जहाँ पे उस किरदार के साथ महेश बाबू ने जिस तरह से काम किया हुआ है वो अकेले ही पूरी फिल्म को हैंडल करते हुए नजर आते हैं उनको बेहतरीन वे में अल्लाह री नरेश सपोर्ट करते हैं लेकिन सेकंड हाफ में उनका रोल छोटा है तो इस फिल्म को आप जरूर इंजॉय कर पाओगे ये फिल्म देखने लायक फिल्म है जिस वजह से इसे मिस नहीं करना चाहिए महेश बाबू के करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म है महेश बाबू ने इस फिल्म में के ऋषि कुमार का रोल प्ले किया हुआ है पूजा हेगड़े ने पूजा का रोल प्ले किया हुआ है जो ऋषि का लव इंटरेस्ट है और गेमिंग कंपनी में काम कर रही है अल्लाह अल्लाह री नरेश आपको रवि

पल्लवी रवि के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया हुआ नजर ने सिर्फ केप मिनिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है सां धीना ने साई कुमार ने पल्लवी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश ने चंद्रशेखर का रोल प्ले किया हुआ है तो सभी एक्टर्स ने ये अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया हुआ है और सभी का कामबाखू भी निखर के आया हुआ है तो ये कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम इस फिल्म के डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो मुन्ना 2007 में एक फिल्म आई थी वृंदावनम 2010 में आई थी यवडू 2014 में तो दिलराजू ने ये तीन फिल्में वामसी पेड़ी पेली के साथ इससे पहले की हुई थी और ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया वाम से पेली पेली के साथ 2018 के की अर्ली में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन के नीचे वो महेश बाबू की 25वीं फिल्म प्रोड्यूस करने वाले जिसका टेंटेटिव टाइटल रखा गया था हेटेक एस एस एम बी ट्वेंटी फाइव और महर्षि फिल्म का जो टाइटल है वो नौ अगस्त दो हज़ार अट्ठारह को कन्फर्म किया गया था इसके अलावा इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग राइटिंग के ऊपर वामसी ने फर्स्ट पोस्ट वालों को इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि फिल्म में काफ़ी मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगे प्रोटोग की जो जर्नी है वो पूरी तरह से इस फिल्म के फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ के एंड तक आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे वो किरदार काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम दिखाने वाले इस फिल्म की बायोपिक आपको शायद थोड़ी सेमी बायोपिक टाइप की लग सकती है तो ये सभी चीज़ें उन्होंने लीड कैरेक्टर के थ्रू दिखाई हुई थी वो बस सभी चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में कही हुई थी अब फिल्मिंग के ऊपर बात करें तो स्क्रिप्टिंग का काम करने के बाद फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी काफी लंबे समय के बाद जून 2018 में स्टार्ट की गई थी जहां पे फिल्म का एक पहला शेड्यूल था वो काफ़ी लंबा रखा गया था जिसको हैदराबाद गोवा और देहरादून में शूट किया गया था उसके बाद में फिल्म का एक शेड्यूल दो महीने का लंबा रखा गया था जिसको यूएस में रखा गया था और यूएस में काफी पोर्शन फिल्म के शूट किए गए थे इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल था वो न्यूयॉर्क में सेट किया गया था और बाद में फिल्म का जो यूएस वाला शेड्यूल है वो डिले होने की वजह से फिल्म के शूटिंग को कंप्लीट करने में नवंबर 2018 आ गया था उसके बाद में फिल्म के बाकी के पोर्शन को हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था जहां पे एक फिक्सनल विलेज सेट कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था उस सेट को क्रिएट करने में करीबन आठ करोड़ का खर्चा आया हुआ था दिसंबर दो में फिल्म के थर्ड वीक में सॉरी दिसंबर दो के थर्ड वीक में एक नया शेड्यूल था लास्ट शेड्यूल था उसको स्टार्ट किया गया था उसके बाद में कुछ एक्शन सिक्वेंस से कुछ फैमिली सिक्वेंस से जिसको बाद में शूट किया गया था उसके बाद में दुबई का एक ट्रिप लिया था महेश बाबू ने एक शॉर्ट हॉलीडे लिया था उसके बाद फिल्म की शूटिंग को रिज्यूम किया गया था जनवरी 2019 में जहाँ पे सेकंड वीक में शेड्यूल को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे पोलाची तमिलनाडु में कुछ सीन्स को शूट किया गया था वहाँ पर करीबन काफ़ी लंबा शेड्यूल चला था उसके बाद सेम महीने में फ़िल्म का नेक्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट किया गया था उसके बाद में फरवरी दो में वो शेड्यूल कम्प्लीट किया गया था पंद्रह मार्च दो तक पूरी तरह से फिल्म के पेज वर्क को जो सॉन्ग्स थे उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाए गए थे एक्शन सीक्वेंस क्लाइमैक्स सभी चीज़ों को तभी शूट कर लिया गया था लेकिन दो सॉन्ग्स बाकी थे जिसको 18 अप्रैल 2019 तक कंप्लीट करके रेप अप किया गया था उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इस फिल्म के साउंड रेक के ऊपर बात करें तो महर्षि फिल्म का जो साउंड रेक है वो काफी बड़ा है जहाँ पे 31 मिनट 38 सेकंड का साउंड रेक है जहाँ पे इसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था और उसके राइट्स खरीदे हुए आदित्य म्यूजिक ने और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों देवीश्री प्रसाद ने ही क्रिएट किए हुए हैं जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर काफी अव्वल दर्जे का है सॉन्ग डिसेंट है कुछ अच्छे कुछ ठीक ठाक है और इस साउंड ट्रैक को आदित्य म्यूजिक ने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में पंद्रह मई दो से अवेलेबल किया हुआ है तो फिलहाल में भी आपको महाराषी फिल्म के तमिल और तेलुगु वर्जन के गाने वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में आदित्य म्यूजिक के चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे अब हम ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बात करें तो तेलुगु वर्जन के सभी लिरिस, लिरिसिस्ट और राइटिंग का काम किया हुआ है श्री मनी ने मर्जी फिल्म के ट्रैक लिस्टिंग में पहला गाना है पदरा पदरा जिसके सिंगर थे शंकर महादेवन दूसरा गाना है छोटी छोटी बातें जहां जहाँ पे बेकिंग वोकल्स है वो रानीना रेड्डी सुरमुखी श्रमन अनिता और रोशनी ने गाया हुआ है वहीं पे जो मेन सिंगर है वो प्रसाद है। तीसरा गाना समथम जिसके बेकिंग वोकल्स रनिना रेड्डी और सुरमुखी रमन ने गाया हुआ है वहीं पे सिंगर थे याजिन निजार इसके अलावा चौथा गाना एवरेस्ट अंशुना जिसके सिंगर है वेडला हेमा और विष्णु प्रिया रवि पांचवा गाना फिर सुरु जिसके सिंगर है बेनी दयाल छठा गाना है पाला पिट्टा जिसके सिंगर है राहुल सिपलीगुंज और एम ए मानसी सातवा गाना है इदे कदा नी कदा द सोल ऑफ ऋषि इसको गाया हुआ है विजय प्रकाश ने आठवा गाना है नूवनी यदि निदानी जिसको गाया हुआ है कार्तिक ने तो ये सीएम राउंड ट्रेक को तमिल वर्जन में भी रिक्रिएट किया गया था और इस फिल्म के म्यूजिक को यानी कि बैकग्राउंड को सॉन्ग्स को डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को कुछ अवार्ड्स के लिए भी सम्मानित किया गया था जहाँ पे नेशनल को शानदार था।, फिल, था।, था और उस वजह से इस फिल्म को काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला हुआ था तो ये तो हुई साउंड ट्रेक के ऊपर बात अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म की रिलीज काफी बार चेंज हुई है फिल्म को ओरिजिनली 25 अप्रैल 2019 को रिलीज करने वाले थे लेकिन 6 मार्च 2019 को दिलराजू जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा कि पोस्ट प्रोडक्शन की डिले की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है फिल्म का काम समय के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वजह से हम थिएट्रिकली रिलीज 9 मई 2019 को करेंगे और बाद में मर्सी फिल्म को रिलीज करना जो 9 मई 2019 को रिलीज किया गया था उसके करीबन एक दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि दिल राजू के घर पे रेड कर, कर हुई थी उनके ऑफिस और उनके घर घर के ऊपर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से एक रेड आई हुई थी और उनके ये हैदराबादी के हाउसेस में ये रेड हुई थी आठ मई 2019 को अब हम बात करें इस फिल्म के जो स्क्रीन से उसके ऊपर तो फिल्म को पच्चीस सौ स्क्रीन्स मिले थे जहाँ पे यूएसए में बेंगलुरु में करीबन चार सौ स्क्रीन्स थे तो तेलुगू में ये पहली फिल्म थी जो करण बेंगलोर में इतने हाईएस स्क्रीन के साथ रिलीज हुई थी तो टोटल 2500 सौ स्क्रीन के ऊपर फिल्म को रिलीज किया गया था जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था तो 9 मई 2019 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब फिल्म ने काफ़ी बढ़िया